आज के लिए हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, एक एक करके करते चले जाते हैं। देखो उस क्वेश्चन में ये दिखा रखा है कि दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 यहाँ पे एक जगह पे रखे हुए हैं, और एक फील्ड लाइन है जो Q1 से ओरिजिनेट कर रहा है, बट Q2 के प्रेजेंस में फील्ड लाइन तो बेंड कर जाएगा, तो बेंड करके फाइनली एक जगह पे चला गया। ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ Q1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया है फील्ड लाइन पे, वहां पे टेंजेंट एंगल अल्फा बना रहा है फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2, एंड फाइनली जब वो इन्फिनिटी पे जा चुका है तब तो बेंडिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो इन्फिनिटी पे देखो अजिम्प्टोट की तरह दिख रहा है वो एक डॉटेड लाइन को, ये वाली लाइन पे अगर देखोगे आप ये वाली लाइन पे चेक करो, ये वाली लाइन जो है अजिम्प्टोट है, दिख रही है आपको, वहां पे इन्फिनिटी पे टच कर रहा है उसको, यू सी दैट? यस सर। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएंगे तो वैसे भी यू नो दोनों चार्ज ऑलमोस्ट एक जगह पे दिखेगा, तो बेंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये अल्फा और बीटा में के बीच में रिलेशन पूछा गया है। अब इसके बीच में जो मेन कंसेप्ट जो यूज हो रहा है वो कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, एक बार ये रिकलेक्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो जैसे अगर आप एक पॉइंट चार्ज रखते हैं तो पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइंस हम बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं, पॉइंट चार्ज से हम फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए दिखाते हैं, ये ओरिजिनेशन पॉइंट पे बेंडिंग नहीं होती। आपको याद है मैंने आपको समझाया था कि ओरिजिनेशन पॉइंट पे अगर आप एक चार्ज के पास खड़े रह जाओगे तो वो चार्ज की फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, दूसरे का इफेक्ट ही फील नहीं होगा, याद है आपको, ये चीज समझाई थी मैंने, याद है? हाँ हाँ और अगर हम चार्ज से दूर जाते हैं, अच्छा खासा दूर चले जाएंगे, तो फिर आपको ये बेंडिंग इफेक्ट फील होगी। मतलब ओरिजिनेशन पॉइंट पे कोई बेंडिंग नहीं हो सकती है, बेंडिंग जो होगी वो दूर जाके होगी, उस जगह पे नहीं हो सकती जहां पे आपने चार्ज को रखा है। तो ऐसा ही कोई एक फील्ड लाइन सोचो, अगर मैं यहाँ पे सपोजिटली यहाँ पे ये वाली लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन को एक्सटेंड करता है और ये वाली एंगल मान लो अल्फा है, तो इधर के इधर से भी अगर अल्फा लाइन अल्फा एंगल इधर से अगर खींच लेते हैं, सपोजिटली इधर से भी एंगल अल्फा खींच लें, तो यहाँ के बीच में कितनी फील्ड लाइन से ये आपको निकालना आता है, सेमी वर्टिकल एंगल वाला कंसेप्ट से, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट याद है आपको, इस रीजन में जो फील्ड लाइन, ये वाली रीजन में जो फील्ड लाइन आएगी या फ्लक्स आएगी राधा, इसके थ्रू अगर फ्लक्स निकालते तो ये फ्लक्स निकालना हमने सीखा था, याद है आपको कितना होता था, Q/2 ε₀ × 1 − cos θ, याद है, मतलब cos थीटा, थीटा लिख दो तो वहां पे थीटा ही हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा लिख रहा है मैंने, यहाँ पे अगर आपने क्यू रखा होता। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम Q1 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे Q1 दिया हुआ था, तो यहाँ पे Q1 लिख गया, ठीक है, तो अल्फा एंगल पे कितना निकल रहा है, ये इस पार्ट का निकल गया, तो बाकी रिमेनिंग फ्लक्स कितना है, इधर से जो रिमेनिंग फ्लक्स आएगा, रिमेनिंग पार्ट का जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा ये बता सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये वाले पार्ट का जो फ्लक्स है, ये वाले पार्ट का, ये टोटल फ्लक्स कितना है, ये वाला एप्सिलॉन नॉट से माइनस कर देंगे, हाँ, सो क्यू बाई इसका फ्लक्स अगर निकालना है तो इसकी जो फ्लक्स होगी, इसको फाइव डैश अगर कह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं Q1/ε₀ एंड माइनस ऑफ Q1/2 ε₀ इनटू 1 − cos α, ये बात समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है सभी को? हाँ सर। ठीक है, अब देखो यही फील्ड लाइन आगे चल के पता चल रहा है कि आपको दूसरे Q2 के प्रेजेंस में बेंड करेगा, तो बेंड करेगा तो यहां से जो फील्ड लाइन से सोचो, ये वाला अल्फा एंगल वाला, इस फील्ड लाइन को ही उसने आगे चल के यहां से बेंड कराया है ऐसे, ठीक है, बट इसके 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 इस तरफ मतलब ये वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, कहां गया, ये वाले रीजन में कितना फ्लक्स है या फील्ड लाइंस है ये तो हम बता सकते हैं ना, ये वाले पूरे रीजन में, ये सोचो ये पूरे रीजन में, ये तो अभी भी वही रहेगा जो हमने पहले निकाल रखा है, बेंड करके गया बट काउंट ऑफ लाइंस थोड़े ना चेंज कर जाएगा, क्या काउंट ऑफ लाइंस चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये समझ आ रही है ना आपको, तो यहां से ये जो लाइन हम खींचेंगे टेंजेंट इधर खींचेंगे अगर हम, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये मीट कर रहे हैं, आप सोचो यहाँ पे मीटिंग थी और इसके इधर कहीं पे आपका Q2 रखा हुआ था, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो, अगर सपोजिटली मैं बहुत ही दूर Q1 Q2 से बहुत दूर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, Q1 Q2 से बहुत दूर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं, तो आपको याद है कंसेप्ट, जैसे एक चीज, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज आपको फिर से रिकलेक्ट होगा। आप देखो ये जैसे दो पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच में अगर आप पास से देखोगे, यहां से खड़े होकर देख रहे हो, तो आपको एक सर्टन डिस्टेंस इन दोनों के बीच में दिख रहा है, बट जब हम इससे रिलेटिव थोड़ा दूर जाते हैं तो हमको ये पास आता हुआ दिखता है ना, राइट, दिखता है, नहीं दिखता है, राइट, फिर और दूर चले गए तो और पास आता हुआ दिखता है, राइट, हाँ सर। हमारे लिए जो डायमेंशन अपियर होता है हमें ऑब्जेक्ट्स का, वो किसके रिलेटिव होता है, हमसे कितना दूर है, अगर मैं इससे बहुत दूर चले जाऊं, बहुत दूर सोचो, तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, Yes, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं, यू अंडरस्टैंड दिस, यस सर।
तो अगर मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं जो बहुत ही दूर है क्यू वन क्यू टू से बहुत दूर है, तो क्यू वन क्यू टू दो अलग अलग जगहों पे आपको अपियर होगा या एक ही जगह पे अपियर होगा? एक ही जगह पे अपियर होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है ना. तो अब हमने क्या किया, इसी कंसेप्ट को, अब देखो मैं बेसिस बना रहा हूं, तो मैंने क्या किया, ऐसे सोचा है अब मैं ऐसे सोच रहा हूं कि यहां पे सोचो आपका Q1 एंड Q2 दोनों ही रखा हुआ है, ये दोनों बहुत क्लोज बाय अपीयर होंगे, एंड यहां पे एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं बहुत दूर से, बहुत दूर, और ये गॉसियन सरफेस का ऑलमोस्ट सेंटर है Q1 Q2 का लोकेशन. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं? हां सर. अब सोच के देखो, अब अगर मैं यहां से कोई एक लाइन दिखाता हूं, सपोजली ये एक फील्ड लाइन है, ठीक है, जो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इन्फिनिटी पे तो बेंडिंग इफेक्ट नहीं होगी, और यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस, उन दोनों को तो अब अलग अलग हम नहीं देख रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ आ रही है? ये देखो, अब ये वाला इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था, ये जो सेपरेशन हमने चूज किया था, इनके बीच का सेपरेशन, मैं यहाँ पे कुछ मार्क करके कुछ एक वेरिएबल डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि हम क्या यूज कर रहे हैं. इनके बीच के सेपरेशन को मान लेते हैं, लेट्स से दिस सेपरेशन इज एल, एंड मैं यहाँ का रेडियस जो चूज कर रहा हूँ, इस सर्कल का जो रेडियस चूज कर रहा हूँ, स्फीयर सॉरी, ये रेडियस जो है, दिस आर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू एल. तो इससे बेसिकली आपको ये पता चल रहा है कि बोथ द चार्जेस will appear coincident. समझ आ रही है? तो अब मैंने क्या किया, यहां पे ये जो एंगल बीटा बन रही थी, ये वाली एंगल बीटा, इसी बीटा एंगल पे मैंने सोचा है कि कितनी फ्लक्स आएगी, अब ये फाइंड आउट कर ले. तो अब तो बेंडिंग हो ही नहीं रही है, क्या बेंडिंग हो रही है फील्ड लाइंस की, यहाँ पे इंफिनिटी के पास हो रही है फील्ड लाइंस की बेंडिंग? नहीं हो रही है. तो अब अगर मैं बोलूं कि बीटा एंगल पे कितना, मतलब बीटा एंगल का जो कोण बन रहा है, बीटा एंगल का जो कोण बन रहा है, उसमें कितना फ्लक्स है ये बताओ. तो आप ये जो कोण आएगा, इसका फ्लक्स बता सकते हैं टोटल कितना आएगा, ये वाले कोण का बता सकते हैं? Q1 plus Q2 by 2 epsilon not 1 minus cos beta. Good. तो ये वाली फ्लक्स जो हो गई, इसको हमने लिख लिया phi double dash. And that will be Q1 plus Q2 divided by 2 epsilon naught into 1 minus of cos beta. अब एक चीज ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो एक ही है ना, है या नहीं है? है? है सर. हाँ. है ना, समझ आ रही है आप सबको? Yes sir. ये दोनों लाइन तो एक ही है. अब अगर ये दोनों लाइन एक ही है, तो ऑब्वियस है कि इधर से सोचो, इस लाइन से इधर के बीच में जितनी फील्ड लाइंस है और इस लाइन से इधर के बीच में जितनी फील्ड लाइंस है, ये सारा सेम होगा या नहीं होगा? हो गया? नहीं आ रही बात समझ में? होगा. ठीक है, तो बस अब फ्लक्स को इक्वेट कर दीजिए. तो दोनों फ्लक्स को अब इक्वेट कर देंगे, सो देयरफॉर फाइ डैश हैज टू बी इक्वल टू फाइ डबल डैश, एंड देयरफॉर आपके पास जो रिलेशन बनेगा, इसमें जो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट से ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो क्या हो गया था हमारे पास, Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा, and that should be equal to Q1 plus Q2 divided by 2 epsilon naught and into 1 minus of cos of beta. बात समझ आई? Yes sir. Yes sir. Did you understand? ये थोड़ा difficult था grasp करना, but I hope आपको ये logic समझ आया कि Q1 Q2 almost center पे लेने का logic क्या है, क्योंकि bending जो है आपको nearby the charges आपको appear होगी, बट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे चले जाओगे तो आपको वहां पे कोई बेंडिंग अपीयर नहीं होगी. समझ आ गई ना सभी को? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. देखो, आप लोग अभी कॉपी हड़बड़ करके मत करो, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखने का टाइम मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपी मतलब ऑलरेडी मैंने पहले से लिख रखा है. आप लास्ट में कॉपी कर लेना, पीडीएफ भेज दूंगा तब. यहाँ देखो, अभी ध्यान से सुनने की कोशिश करो. अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड जस्ट इनसाइड अ क्यूब, जस्ट इनसाइड, कीवर्ड्स पे ध्यान दो, जस्ट इनसाइड कह रखा उसने. जस्ट इनसाइड कहने का मतलब क्या, हम मान सकते हैं ऑलमोस्ट एज पे ही है,
मतलब एक कॉर्नर पे ही है, ऑलमोस्ट कॉर्नर पे है ना, ऑलमोस्ट एट कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे तो नहीं बोलेंगे बट ऑलमोस्ट एट कॉर्नर, ठीक है। एंड फिर बॉडी डायगोनल पे रखा है, उसने क्या रखा है एट बॉडी डायगोनल जो डायग्राम में भी दिख रहा है, एंड फ्लक्स थ्रू द इंडिविजुअल सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूब पूछा गया है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट कॉर्नर पे रखता तब क्या होता, तीन फेसेस में जीरो ग्रेजिंग लाइंस, याद है, याद है आपको? हाँ सर। अगर आप एग्जैक्ट कॉर्नर पे अगर रखते, ये सोचो, ये याद करो, अगर हमने यहां पे चार्ज रखा था तब के लिए जब हम निकालते तो थ्री फेसेस पे आपका जीरो होता था और जो रिमेनिंग थ्री पे जो डिवाइड होता था इक्वली डिवाइड होता था, याद है? यस सर। राइट, यस सर। इसको अगर कुछ नाम दे देते हैं, अच्छा ठीक है, इसमें तो आपको समझ आ जाएगा, ये वाली पार्ट का, ये वाली पार्ट का, और एक ये वाले पार्ट का, इन तीनों का जो फ्लक्स था वो इक्वल था एंड क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट ईच था, याद है आपको? राइट, तो ये वाले पोर्शन का तो आंसर क्या हमारा चेंज करेगा क्या बताओ तो, क्योंकि मैंने चार्ज को जस्ट इनसाइड रख दिया तो ऑलमोस्ट तो कॉर्नर पे ही है या नहीं है? बात समझ आ रही है आपको? तो अगर ये ऑलमोस्ट कॉर्नर पे ही है तो आपका नेट फ्लक्स जो उन तीनों सर्फेस के थ्रू है वो आपका ऑलमोस्ट चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इनको नाम दे देता हूँ, तो लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच, हो गया ना सर? हाँ, नॉमेनक्लेचर हो गया। तो हम ये श्योर होके कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी प्लस फ्लक्स, सॉरी, इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सी डी ई एफ एंड इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू ए डी एफ जी एंड दैट विल बी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? सेम यही लॉजिक है, यही वाला लॉजिक है बाय दिस लॉजिक, ठीक है। अब जो तीन फेसेस का जीरो होता था वो इस बार जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस बार ग्रेजिंग लाइंस नहीं है ना, है क्या ग्रेजिंग लाइंस? नहीं है सर, नहीं है ग्रेजिंग लाइंस। तो अब हम गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सिमेट्री तो है, पक्का है, जो तीन फेसेस, जो तीन कॉर्नर, तीन एक एक कॉर्नर पे आपने रखे हैं वहां से जो तीन फेसेस हैं वो तीन फेसेस जो उसके इमीडिएटली पास में है जिसको पहले वो ग्रेज कर रहा था, इस बार तो वो तीनों फेसेस में इक्वल होगा, होगा नहीं, होगा ना? हाँ सर। राइट, तो हम बस ये निकाल लें कि रिमेनिंग टोटल फ्लक्स कितना है, क्यूब का टोटल फ्लक्स से ये वाला फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें जो हमने निकाल रखा है पहले से, और उसके बाद फिर उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, फ्रॉम सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू कौन से फेसेस हैं, नाम एक बार लिख लेते हैं, एच बी सी ई विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एच ई जी एफ विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एच बी ए जी एंड दैट विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू क्यू, निकाल लो टोटल जो है उससे आपको q by 24 epsilon naught का तीन गुना ये आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है एंड फिर वन थर्ड ले लेना है। समझ आई आपको? Did you all understand? Yes sir. एंड फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना है, क्योंकि चार्ज तो इनसाइड हो गया है और चार्ज अगर इनसाइड हो गया तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख लिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एंड इसके साथ क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड फिर वन थर्ड ले लेंगे, सो ये जाएगा 7 बाई 24, सो दिस बिकम्स 7 बाई 24 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो, इसमें उसने दे रखा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है क्यू और उसके ठीक नीचे में एक आइडियल स्ट्रिंग के थ्रू एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एंड मास एम का सस्पेंडेड है, और उसने हमसे ये पूछा है कि बताओ कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन मतलब कि गिवन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए सच कि अगर मैं मास को, मतलब जो सस्पेंडेड मास है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो वो ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर जाए, बस इतना ही कंडीशन पूछा है उसने। अब इसके लिए बस ज्योमेट्री करना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर मान लेते हैं इसको डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा, इसको मैंने एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया है,
सो अभी मेरी चार्ज जो है वो यहाँ पे आ गई मान लेते हैं. ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कब करता है? ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कब करता है? रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा उसको जब रिस्टोरिंग है ना. ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कंडीशन है? मैंडेटरी. मैंडेटरी कंडीशन क्या है? मैंडेटरी कंडीशन इज एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए. और रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि जिस तरफ आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना. आपने राइट डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट फोर्स आना चाहिए, अगर आपने लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो राइट फोर्स आना चाहिए. यही तो कंडीशन होता है ना, राइट? हाँ सर. यस सर. सॉरी. तो मान लेते हैं कि अभी एक बार फोर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. लेट अस से ये एंगल थीटा है और ये एंगल को मान लेते हैं कुछ भी एक अल्फा है. तो देखो तो ये वाले एंगल कितनी हो जाएगी? थीटा माइनस अल्फा. लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं दिस इज थीटा माइनस ऑफ अल्फा लिख लिया. ठीक है. अब फोर्सेस क्या क्या आएंगे एक बार वो दिखा देते हैं. इसमें डायग्राम में फोर्सेस दिखाते हैं. तो एक तो ग्रेविटेशनल पुल होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, दिस इज एम जी. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में. ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए इसको एफ ई लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए. एक टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है वो रेडियल डायरेक्शन में है, सो दिस इज टेंशन. क्या टेंशन का कोई रोल है रिस्टोरिंग फोर्स में? नहीं है सर. नहीं, क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन में है और हमें रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह चाहिए? टेंजेंट के अलोंग चाहिए. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. पाथ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो टेंशन का कोई रोल नहीं है. बट एम जी का तो रोल है. अगर आप देखोगे यहाँ से तो दिस फोर्स इज कमिंग आउट ऑफ बी एम जी साइन थीटा. एंड इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कॉम्पोनेंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी एफ ई साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा. दिख रही है आपको? हाँ सर. अब ये सोच के देखो, अगर अगर आपका ये वाला फोर्स बड़ा हो गया इससे तो क्या ये कभी ऑसिलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. समझ आ रही है? तो आपको किसको बड़ा रखना पड़ेगा इन दोनों में से? एम जी साइन थीटा को. एम जी साइन थीटा को बड़ा. बस इसी का कंडीशन अब आपको लिखना है. जो वेरिएबल्स आपने चूज किए उस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा और इस कंडीशन को यूज करना पड़ेगा. तो ट्राई करते हैं अभी. सो हमने क्या करना है, सो देयरफॉर एम जी साइन थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा. सिंस एंगल छोटा है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, राइट? हाँ सर, लिख सकते हैं ना. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी वैल्यू को मैं ऐसे लिख रहा हूँ. सो एम जी इंटू थीटा this should be greater than electrostatic force into theta minus of alpha. Correct है? हाँ सर. Yes, sir. अब theta और alpha को eliminate करना पड़ेगा क्योंकि theta और alpha आपको दिए हुए डेटाज नहीं है, ये आपने अपनी तरफ से variable choose किया हुआ है. तो इस condition को मैं equation number one कह लेता हूँ. और अब मैं theta और alpha को eliminate करेंगे. theta और alpha eliminate करने के लिए क्या parameter है जो अभी तक आपने use नहीं किया है, बताओ? A और L. A और L को use नहीं किया है. Good. So, अभी देखो ये जो आर्क लेंथ है इस आर्क लेंथ को x मान लेते हैं, ठीक है? ये जो आर्क लेंथ दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन वाली, मतलब जो मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया था उसी को सोचो x मान लेते हैं. तो क्या ये x को l और a के टर्म्स में लिखा जा सकता है? एक बार l के टर्म्स में, एक बार a के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है x की वैल्यू को अगर आप लिखोगे तो l थीटा लिख सकते हैं. l थीटा लिख सकते हैं x की वैल्यू को लिख सकते हैं. हां सर. और अगर a के टर्म्स में लिखे तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस l इंटू अल्फा लिख सकते हैं. हाँ सर. हाँ सर. इसका मतलब यहाँ से थीटा माइनस अल्फा निकाला जा सकता है. तो थीटा माइनस अल्फा इसकी वैल्यू लिख लेंगे. तो थीटा माइनस अल्फा को लिख लें तो एल थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस एल एंड दैट बिकम्स एल तो कट जाएगा तो बचेगा ए थीटा डिवाइड बाई ए प्लस एल. सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो देयरफॉर एम जी इंटू थीटा शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू थीटा माइनस अल्फा विच हैज बीन फाउंड टू बी ए थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस एल. अगर आप नोटिस करोगे तो थीटा एलिमिनेट हो गया जो कि आपका अननोन वेरिएबल था. अब एम जी शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था इन दोनों के बीच में, सेपरेशन चार्जेस के बीच में कितनी है देखो आप, a प्लस एल. हाँ सर. तो बस k q1 q2 by r square लगा लेंगे तो हो जाएगा k into capital Q था शायद, capital Q और एक small Q. हाँ. तो capital Q into small Q divided by distance which is a plus l का square and into a by l निकल गया. तो ये आपका कंडीशन हो गया. Did you get it? Yes, sir. चलो भी आगे बढ़ते हैं. ये भी काफी अच्छा सा एक क्वेश्चन है देखो.
पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन ऑन द एक्सिस ऑफ अ न्यूट्रल सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम वी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स. ठीक है. Here the distance x is much larger than the dimensions of the cylinder. Okay, तो ये condition को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार. तो ये वाली length को अगर मैं l मान रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि x की value बहुत बड़ी है l से. ठीक है ना? कह सकते हैं given condition ही है. हाँ. Dimensions उसने बोला है, मतलब area of cross section भी आपको छोटा लेके चलना है. मतलब इसकी radius को अगर आप r मान रहे हो, तो x की value will be very large compared to radius also. Do you understand this? Yes, yes. This is radius of cylinder. मतलब उसकी length, radius सब कुछ छोटी आपको मान के चलनी है, ठीक है? This is what you're supposed to assume. फिर using suitable approximations, आपको जो approximations लेने हैं आप लो. Find the force of electrostatic interaction between the charge placed in the charge particle and the cylinder. Considering the cylinder first to be made of a conducting material and then an insulating material of relative permittivity epsilon r. मैं उल्टा कर लेता हूँ. मैं एक पहले इंसुलेटर का मान लेता हूँ, और इंसुलेटर का मान के जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें मुझे बस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को इनफाइनाइट डाल देना है. आपको याद है जो मेटल्स होती है उसकी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो इनफाइनाइट होती है, याद है आपको? हाँ सर. तो बस वो कंडीशन को यूज कर लेंगे, वी विल जस्ट यूज दैट कंडीशन लास्ट में. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंसुलेटर ही मान के कैलकुलेशन करते हैं, एंड लास्ट में फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इनफाइनाइट डाल के फिर मेटल के लिए निकाल देंगे. इम्पॉर्टेंट चीज पहले ये रियलाइज करना है आपको, जो सबसे पहली चीज है आपको ये रियलाइज करनी है कि ये जो पॉइंट चार्ज का फील्ड है वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म है, बट सिंस ये डायमेंशन ऑफ सिलेंडर बहुत छोटा है, तो सिलेंडर के जो दो एंड्स हैं उनके बीच में जो फील्ड का वेरिएशन होगा, क्या उसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं? हाँ सर, समझ आ रही है. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा. फोर्स कैसे जनरेट होगा पहले ये सोच के देखो. फोर्स ऐसे जनरेट होगा क्योंकि अगर सोचें कि ये जैसे एक सिलेंडर है, सोचो ये सिलेंडर है, ये जो है ये सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज सिलेंडर. इसके इस एंड पे अगर आप देखोगे तो नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे पोलराइजेशन की वजह से, होंगे क्योंकि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इधर रखा हुआ है ना, पॉइंट चार्ज इधर है, इधर प्लस क्यू है, तो इसके पास में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होगा, और दूर वाले एंड पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, होगा या नहीं होगा? राइट, समझ आ रही है आपको? होगा सर. तो ये किस तरह केस हो गया, डायपोल प्लेस्ड इन अ फील्ड की तरह हो गया. एंड डायपोल अगर लेफ्ट एंड पे फील्ड थोड़ी ज्यादा मिलेगी एंड राइट वाले एंड पे फील्ड थोड़ी कम मिलेगी, तो ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का ही केस हो गया. तो P इंटू डी बाई डी आर करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ आ रही है? डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे, एंड डायपोल मोमेंट निकालने के बाद फिर हम P इंटू डी बाई डी आर करके फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे. आपको याद है P इंटू डी बाई डी आर, जब भी एक डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड होती है और उसके ओरिएंटेशन अलोंग दी फील्ड होती है, तो फिर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम P इंटू डी बाई डी आर निकालते हैं, याद है? डू यू रिमेम्बर दैट? इसको निकालने का एक और तरीका भी बताया था, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो U माइनस ऑफ P डॉट E करके, एंड देन फोर्स निकालने के लिए माइनस ऑफ DU बाई DR कर लो, सेम रिजल्ट ही आता है. तो एनीवेज अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. सो मैं पहले एक इंसुलेटर मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कंसिडरिंग सिलेंडर एंड इंसुलेटर, ठीक है. तो अभी सिचुएशन ऐसा होगा क्योंकि ये बहुत छोटा डायमेंशन का है, तो इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, एग्जैजरेटेड डायग्राम है थोड़ा. ये इसकी पोलराइजेशन हो चुकी होगी और इस एंड पे आपके नेगेटिव चार्जेस रिड्यूस हो गए होंगे, ये पोलराइजेशन की वजह से होगी, ठीक है, एंड इस फेस पे आपकी पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो गई. ये जो चार्जेस दिखा रहे हैं हम इंड्यूस चार्जेस on cross-sectional faces of cylinder due to polarization of medium, ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो charge है वो cylinder से काफी दूर रखा हुआ है, और चार्ज अगर सिलेंडर से काफी दूर रखा हुआ है तो ऑलमोस्ट उसको फील्ड जो दिखेगा ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म फील्ड दिखेगा, ऑलमोस्ट दिखेगा ना, ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस की तरह दिखेगा, है ना, होगा ना, दिखेगा सर. द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज विल ऑलमोस्ट अपीयर पैरेलल, ठीक है. अब ये सोच के देखो, इसकी
इसकी खुद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोल रहे हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, होगी नहीं होगी, प्लस से माइनस की तरफ? हां सर। एंड ई माइनस ऑफ ई आई निकालेंगे तो मुझे नेट फील्ड मिल जाएगी इसके अंदर। हां सर। तो नेट फील्ड इनसाइड द सिलेंडर का लिखें, नेट फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं दिस इज ई नेट एंड दैट विल बी ई माइनस ऑफ ई आई। ई आई इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई आई इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को क्या हम ई बाई के लिख सकते हैं? आपको याद है कि अगर अगर एक वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई आ रही है उसी चार्ज की वजह से, जो सोर्स चार्ज है उसकी वजह से, अगर आप डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अगर फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 बाई के टाइम्स हो जाता है, याद? तो यहां से देखो आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ई इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाई के आ गई है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे दो पैरेलल शीट्स की तरह सोच के देखो, ये दो सिलेंड्रिकल फेसेस जो है इनको दो पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड को क्लोज बाय की तरह मान के चलो, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो लेंथ है ये काफी छोटी है, इनके बीच की सेपरेशन बहुत छोटी है, तो इन दोनों को दो पैरेलल शीट्स की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं। तो एक सिंगल शीट का जो फील्ड होगा दूसरे का शीट का फील्ड निकालेंगे तो एडअप हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है बीच में, राइट? पॉजिटिव वाला इधर क्रिएट करेगा, नेगेटिव वाला भी इधर क्रिएट करेगा, दोनों को मिला के तो इधर एडअप हो जाएगा ना, गेटिंग इट? कह सकते हैं सर। तो इसकी वैल्यू को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस इंड्यूस हुई है इसको प्लस क्यू आई एंड यहाँ सॉरी उल्टा यहाँ माइनस होगा इस फेस पे, यहाँ पे माइनस क्यू आई एंड यहाँ पे प्लस क्यू आई हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लिखेंगे तो क्यू आई डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, एक एक प्लेट की वजह से, एक शीट की वजह से, और यहाँ पे दो शीट है तो इंटू 2 कर लिया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाई के। ई यहाँ ध्यान रखना है कि वो पॉइंट चार्ज की फील्ड है, ठीक है। तो यहां से देखो आपको जो चार्ज इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू मिल गई है, इंड्यूस्ड चार्ज इज कमिंग आउट टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय के। क्लियर है यहां से? यहां तक तो क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? हां सर। अब ये वाली जो सेपरेशन है सिलेंडर की, वो सिलेंडर की सेपरेशन को हम एल मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप यहां पे देखो कहां गया, सिलेंडर का वॉल्यूम उसने वी दिया हुआ था, सिलेंडर का ना तो लेंथ दिया हुआ है ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, दिख रही है आपको? डू सी दैट? हां सर। ठीक है, तो वेरिएबल जो भी हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे उसको लास्ट में मुझे एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, जिसका ध्यान रखेंगे। तो ये लेंथ को अगर मैं लिखूं, लेंथ को, तो वॉल्यूम और क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में अगर लिखने तो क्या लिखेंगे, वी बाई ए लिख सकते हैं, वी बाई ए, हां, ठीक है ना, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर लेंगे तो लेंथ मिल जाएगा। अब लेंथ क्यों निकाला, क्योंकि डायपोल मोमेंट अब मुझे मिल जाएगा, तो डायपोल मोमेंट ऑफ द चार्जेस फॉर्मड, अगर मैं डायपोल मोमेंट निकालूं, सो देयरफॉर डायपोल मोमेंट ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम, पोलराइजेशन ऑफ मीडियम एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसको पी लिख रहे हैं, एंड दैट विल बी चार्ज क्यू आई मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन एल, एंड दैट बिकम्स क्यू आई एंड एल की वैल्यू विल बी वी बाय ए, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट, अच्छा इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक बार वैल्यूज को लिख लेते हैं। क्यू आई का वैल्यू हमने निकाला है ई ए एप्सिलॉन नॉट है, तो उसको यूज करेंगे अभी हम, तो ए कट जाएगा तो हो जाएगा ई वी एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय के आएगा, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब हम फोर्स आराम से निकाल सकते हैं, सो देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड ये निकालनी है तो क्या करेंगे, पी इंटू डी बाई डी आर करेंगे, करेंगे ना, यहाँ पे आर नहीं होगी, ये x हो जाएगा क्योंकि ये x सेपरेशन दिया हुआ है, तो पी इंटू डी बाई डी एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से पी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज ई वी एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाई के एंड डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू, अच्छा के नहीं होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं क्योंकि के कंफ्यूज करेंगे फिर नहीं तो, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स क्यू आएगा। अच्छा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को भी यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, जगह कम है इसलिए यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर।
एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रही है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको? यस सर, ठीक है। एंड वैल्यू जो बच रही है हमारे पास वो आ रही है क्यू स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर इंटू वॉल्यूम आएगा, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर, फिर एप्सिलॉन नॉट रहेगा एंड 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³, और नीचे में x स्क्वायर पहले से था तो x टू द पावर 5 आएगा एंड 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नीचे में 8 बचेगा एंड इनटू 1 - 1/k विद अ नेगेटिव साइन आ रही है, x टू द पावर 5, अच्छा हाँ x टू द पावर 5, सॉरी x टू द पावर 5, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? नेगेटिव बस इंडिकेट कर रहा है कि अट्रैक्टिव नेचर होगा फोर्स का, बट की तो मैग्नीट्यूड आपको चाहिए था, क्लियर है ये? हाँ सर, ठीक है। अब इसने मेटल के लिए पूछा था, तो मेटल के लिए बस हमें के की वैल्यू कितनी डाल देनी है, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट बस उसे आंसर मिल जाएगा। सो फॉर मेटल्स, अगर मेटल्स के लिए कैलकुलेट करनी है जस्ट यूज के इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है? हाँ सर, समझ आइए सभी को? हाँ सर, ठीक है। सर अगर एक बात पूछो, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि सिर्फ मेटल के लिए फाइंड करना है तो फिर हमारे दिमाग में तो फिर क्यों नहीं करते आप यहाँ पे जो करना है, आप इंड्यूस्ड चार्ज का जो फील्ड होता, इंड्यूस्ड चार्ज का जो फील्ड होता वो एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट टू इंड्यूसिंग चार्ज का फील्ड होता है, क्योंकि मेटल के अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, मेटल के अंदर कंडक्टर फील्ड जीरो होता है। देखो यहाँ पे हमने कंडीशन यूज किया कि अगर डायलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर नेट फील्ड E/K हो जाएगा, और अगर ये मेटल होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता क्योंकि कंडक्टर होता, तो उससे भी तो आपको EI की वैल्यू मिल जाती, और EI की वैल्यू मिलती तो फिर बाकी पार्ट तो सेम ही है, ठीक है? हाँ ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। An infinitely large layer of charge of uniform thickness T is placed normal to an existing uniform electric field. The charge on the sheet alters the electric field so that it still remains uniform on both the sides of the sheet and assumes values E1 and E2 as shown in the figure. मतलब ये final field है, ठीक है? ये मतलब ये uniform field में place करने के बाद का नहीं है, ये play है पहले का नहीं है, ये बाद का है। So these E1 and E2 are the net electric field. These assume electric field E1 and E2, ठीक है? ये बात का मतलब redistribution, मतलब final electric field की value दे रखी है। फिर दे रखा उन्होंने the charge distribution of in the layer is not uniform and depends only on the distance from its faces, ठीक है? Find the expression for the force per unit area experienced by the charge layer. ये आपको find out करना है कितना force per unit area ये charge layer experience कर रहा है, that is supposed to be found out. करते हैं, एक बार देखते हैं। देखो इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ है कि जैसे ये सोचो कि एक इनफाइनेटली लार्ज लेयर ऑफ चार्ज जो दे रखा है ये वही वाली है, ठीक है? बट इसके लिए उसने दे रखा है कि इसके एक एंड से, इसको थोड़ा बड़ा दिखा देते, इसके एक एंड से जस्ट सेकंड, एक मिनट रुकिएगा, इसके एक एंड से जब आप डिस्टेंस इधर से एक्स चूज करते हो तो यहां से थिकनेस dx अगर चूज करोगे, dx थिकनेस अगर चूज करोगे तो यहां की डेंसिटी जो है वो आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड तक डिफरेंट होगा, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फेसेस, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फेसेस, जैसे एक फेस से मैंने देखो x डिस्टेंस माना है तो फिर उस x के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, दिख रही है आपको, समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है? सो दिस डेंसिटी विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स, आर यू गेटिंग इट? यस सर, ठीक है। बट आपको एक चीज याद है कि जैसे अगर मान लो कि इसके इस तरह से ऐसे मल्टीपल पतले लेयर्स हम चूज कर लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कंसेक्यूटिव लेयर्स चूज कर लेते हैं, जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे है, जैसे ये सोचो कि इसको ऐसे पतले पतले शीट्स की तरह सोचो, इमेजिन करते, ठीक है, 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट ऐसे, ये सारे एक एक शीट है, तो इसके बीच में जितने भी शीट्स हैं उन सभी शीट को एक इंडिविजुअली एक एक शीट की तरह ट्रीट करें, जैसे एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, अगर सिग्मा से हम रिप्लेस करते हैं तो एक का सिग्मा 1 है, दूसरे का सिग्मा 2 है, दूसरे का तीसरे का सिग्मा 3 है, एंड ऐसे n नंबर ऑफ शीट्स एक दूसरे के साथ एकदम स्टैक्ड हैं,
तो यहाँ पे अगर मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ तो फील्ड निकालने के लिए एक शीट की वजह से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर तीसरे के लिए निकालेंगे तो सिग्मा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे करके ऐड ही तो करोगे ना, करोगे नहीं करोगे, बट ये क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये सोच के देखो, मैं अगर इनको अलग अलग शीट नहीं करके अगर एक सिंगल शीट में डाल देता, मतलब इतना ही चार्ज, चार्ज चेंज नहीं करेंगे, जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज ले लो, बट अब उसको क्या करो आप, एक सिंगल शीट में डाल दो, एक सिंगल शीट लो, एक सिंगल शीट लो और उसमें सारा चार्ज डाल दो, तो क्या अब यहां का फील्ड चेंज हुआ, क्या ये फील्ड चेंज होगा? नहीं, क्योंकि आपने सारा चार्ज एक शीट में डाल दिया, तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया, वही सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 इनटू एरिया, टू द एरिया ऑफ द शीट। तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कितना हुआ, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 प्लस सिग्मा n। तो अब अगर फील्ड निकालोगे तो क्या लिखोगे, इसका चार्ज डेंसिटी व्हिच इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 प्लस 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 सिग्मा n एंड डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग इट? हां सर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट उसने दे रखा है ना, ये लाइन वाइज तो समझने में थोड़ा सा आपको मैंने पता चल रहा है कि ये थोड़ा वेरिएबल है, बट इसका ज्यादा यूसेज नहीं हमारे फील्ड कैलकुलेशन में बाहर वाले रीजन में। आपको समझ आई ये चीज, बाहर के रीजन में ये फील्ड कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इसका यूसेज नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ठीक है, तो ये जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, वी रिप्लेस द एंटायर, we replace the entire charged layer with a thin sheet। ठीक है, तो इसको एक सिंगल शीट से अब हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल शीट से, बट इसका चार्ज, अब चार्ज डेंसिटी कितना लेना पड़ेगा, इसका सिग्मा अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे, अब ये सोचो, जो इसका एवरेज डेंसिटी होता, जो भी इसका एवरेज डेंसिटी होता, मतलब जो इस लेयर का एवरेज डेंसिटी कुछ ना कुछ तो होता ना, कि टोटल चार्ज निकालते इंटीग्रेट करके एंड फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, तो इससे एवरेज डेंसिटी तो मिल जाती, मिलती है नहीं मिलती, मिलती मिलती सर। हाँ, तो चार्ज जो एवरेज डेंसिटी है, उस एवरेज डेंसिटी, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम पर यूनिट, एवरेज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो एंड उसके बाद फिर एरिया से डिवाइड कर दो, क्या आपका यही सेम काम हो गया, नहीं हो गया? समझ आ रही है आपको? एवरेज चार्ज डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल चार्ज मिल गया, एंड टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया कर दिया, मुझे उसकी डेंसिटी मिल गई है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, इसको एक पॉजिटिवली चार्ज शीट की तरह मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज शीट। ठीक है, और उसका ही सिग्मा आपने बेसिकली ये वाले पार्ट में कैलकुलेट करके दिखा रखा है। ठीक है, वॉल्यूम बाय एरिया करने से आपको क्या मिलेगा, थिकनेस मिल जाएगा क्या? जी हाँ। इसका मतलब जो थिकनेस दिया हुआ था उसी को यहाँ यूज कर लो, तो एवरेज डेंसिटी के साथ आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इस थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको वो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, जो हियर सिग्मा इज द इक्विवेलेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, इक्विवेलेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस शीट को, इस सिंगल शीट को बेसिकली उस यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे। तो कितना फील्ड हमने अप्लाई किया था ये तो हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे जो फील्ड अप्लाई किया था दिस वॉज द अप्लाइड फील्ड, दिस वॉज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ये भी उसने दिया नहीं है क्वेश्चन में, अप्लाइड यूनिफॉर्म फील्ड जो हमने लगाया था, और इसके अंदर हमने क्या किया, अपने उस चार्ज शीट को रखा है यहाँ पे, ये चार्ज शीट यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इसमें हमारा प्लस सिग्मा का चार्ज डेंसिटी है, तो अब इसकी वजह से खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा नहीं होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, होगा दो साइड में। हाँ। और ये फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की, और इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की होगी, होगी। अब राइट साइड में, प्लेट के राइट साइड में देखो फील्ड ऐड हो रहा है, और लेफ्ट साइड में देखो फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दिख रही है आपको? यस सर। तो अभी अगर मैं लिखूं, देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दिया हुआ है, वो E1 हम कितना लिख सकते हैं, E माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यस सर। तो देयरफॉर फ्रॉम गिवन सिचुएशन हम ये लिख सकते हैं कि E1 की वैल्यू इज E माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड जो E2 की वैल्यू है दैट इज E प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिड यू गेट इट?
यस सर ठीक है अब इन दोनों को एड एंड सब्ट्रैक्ट करके इसको इक्वेशन नंबर वन कह लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर टू कह लेते हैं इक्वेशन वन और टू को एड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको देखो ई भी मिल जाएगा और आपको सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट भी मिल जाएगा मिलेगा ना मिलेगा हाँ सर यू आर नीड टू कट तो इसका मतलब है ई की वैल्यू कितनी हो गई ई का वैल्यू बिकम्स ई वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई टू मतलब हमने कितना फील्ड अप्लाई किया था ये पता चल गया ठीक है एंड साइमल्टेनियसली आपको ये भी पता चल गया कि सिग्मा कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आ रही है E2 minus E1 आ रही है Did you get it? Yes, sir. अब सोचो उसने पूछा क्या था हमसे उसने पूछा था find the expression for the force per unit area experienced by the charge layer. तो ये हमारा जो चार्ज लेयर है इसमें चार्ज कितना है सिग्मा इनटू एरिया चार्ज है या नहीं है चार्ज कितना है इस पे सिग्मा इनटू एरिया तो सिग्मा इनटू एरिया करने से चार्ज मिल गया और चार्ज के साथ में अगर फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड जितना फोर्स उस पे लगाएगा वो कैसे निकालेंगे एक्सटर्नल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन द लेयर यही तो करेंगे राइट हां सर तो देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज लेयर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज्ड लेयर इसको अगर एफ कह रहे हैं सो दैट विल बी चार्ज क्यू and multiplied with electric field. ये charge की value कैसे निकालेंगे आप sigma into area करके निकालेंगे और electric field के साथ multiply कर लेंगे. अब एक-एक करके इनकी value को substitute कर देते हैं. So sigma का value is epsilon naught into E2 minus of E1. And इसके साथ फिर हमें area को multiply करना है. And फिर E के साथ multiply करेंगे. E कितना है? E1 plus E2. दिख रही है? अच्छा बाई टू भी रहेगा बाई टू दिख रही है देखिए आप सबको यस सर सो देयरफॉर उसने पूछा था फोर्स पर यूनिट एरिया निकालनी थी तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी एफ बाई ए चाहिए तो ये देखो कितना आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई टू स्क्वायर माइनस ऑफ ई वन स्क्वायर आ रही है देखो मिल रहा है देखो आपको मिल रहा है या नहीं चेक करो रिजल्ट आ गया ठीक है तो यही फाइनल एक्सप्रेशन आपका आया इसको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट की तरह देखो और इसको याद भी रखो ये इतना मुश्किल काम नहीं है देखो आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन डू रिमेम्बर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपको ये वाले डायग्राम याद है कि जिसमें हमने डेरिवेशन ये सोचो एक रैंडम शेप मैंने कंज्यूम किया था आपको अगर याद हो तो और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सर्फेस के पास मुझे दिख रही है तो यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट याद है आपको कंडक्टर के लिए कंडक्टर के पास और इसी से हमने ये डिराइव किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो आता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है और ये ई जो होता है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर असेंबली होता था याद है डू यू रिमेम्बर दिस यस सर तो अगर आपको ये रिजल्ट याद होता तो क्या आपको इतना मेहनत करना पड़ता आप खुद ही सोच के देखो देखो आप एक बार अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर राइट फेस पे कितना होता आप ये बताओ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E2 का स्क्वायर होता या नहीं होता होता सर फिर लेफ्ट साइड में देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर होता या नहीं हाँ सर तो नेट अगर निकालना होता तो क्या करते हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई टू स्क्वायर माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वन स्क्वायर यही तो करते हैं डिड यू अंडरस्टैंड यस ठीक है वही रिजल्ट यहाँ पे दिख रही है एक और चीज भी देखो आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लासेस में हमने एनर्जी डेंसिटी का भी एक्सप्रेशन किया था सेकंड लास्ट क्लास में याद है आपको हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो कितनी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इसका मतलब जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है ना एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन वहां के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया का भी है क्या आपको बात समझ आ रही है समझ आ रही है ये चीज कि जो भी एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है किसी भी जगह पे वही एग्जैक्टली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया का भी एक्सप्रेशन होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ठीक है ठीक है ठीक है तो इसको ध्यान रखिए चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं AB and CD are fixed smooth rods on which two beads have been embedded
एंड रिलीज्ड एज शोन, दो बीड्स हैं, दो स्मूथ रॉड पे लगा के छोड़ दिया है, बीड्स तो समझते हैं ना आप मोती की तरह, एंड रिलीज्ड, फाइंड विच चार्ज रीचेस द जंक्शन फर्स्ट, दो चार्जेस अलग अलग चार्ज का दिखा रखा है, एक प्लस क्यू वन है एक माइनस क्यू टू है, एंड मास दिखा रखा है, एक का एम है दूसरे का भी एम है, मतलब मासेस सेम है, एक का सेपरेशन बट डी दिखा रखा है, दूसरे का सेपरेशन टू डी दिखा रखा है, अब कौन पहले पहुंचेगा ये आपको डिसाइड करना है, तो पहले सिंपल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, पहले Q1 Q2 को कनेक्ट करें, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की तरह दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, दिस इज फोर्स एफ, तो ऑब्वियसली इधर से भी फोर्स जो मिलेगी आपको वो भी एफ ही मिलेगी, ठीक है, दिस फोर्स इज ऑल्सो एफ, अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा, तो इधर से जो फोर्स का एक्सप्रेशन अगर आप निकालोगे तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन विल बी एफ साइन थीटा, और इधर से अगर फोर्स निकालोगे तो दिस फोर्स विल बी एफ कॉस थीटा, ये आएगा, हाँ सर, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो डी डिस्टेंस इसको वाई लिख लेते हैं और जो टू डी डिस्टेंस इसको एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, जिस वेरिएबल चूज कर रहे हैं, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका लेंथ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, 5D, हाँ सर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू टू वाला जो चार्ज है उसका एक्सेलरेशन अगर लिखता तो इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ आती, एंड दिस एक्सेलरेशन अगर लिखें, इस एक्सेलरेशन को ए टू लिख रहे हैं, तो ए टू वुड बी एफ बाई एम, यही लिखते हैं, है ना, सॉरी एफ कॉस थीटा बाई एम, एफ कॉस थीटा बाई एम, और जो क्यू वन वाला चार्ज है उसके लिए एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो ये एक्सेलरेशन को अगर ए वन लिख रहे हैं तो ये लिखते हैं आप एफ साइन थीटा बाई एम, यही लिखते हैं, है ना, हाँ सर। अब देखो यहाँ से इक्वेशंस में एक बार जस्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो, देखो कुछ कंक्लूसिव डिसीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं आपको एक्जैक्टली उस तरह से बता रहा हूँ कि जैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, तो एक बार करके देख रहे हैं वही सब चीजें। तो ए वन का वैल्यू आ रहा है एफ साइन थीटा बाई एम, एफ का वैल्यू तो दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं के क्यू सॉरी क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन साइन थीटा मल्टीप्लाई करनी है, साइन थीटा विल बी बेस्ड बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा इनटू वाई एंड डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, एंड फिर मास से डिवाइड भी करनी है तो मास से डिवाइड भी कर दिया, तो ये ए वन की वैल्यू आ गई है। अब ए टू का वैल्यू निकालें इसी तरह से, तो ये आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई करनी है, तो कॉस थीटा विल बी बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे फिर मास से डिवाइड कर दिया। अब देखो एक्सेलरेशन को देख के क्या आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पहले कौन पहुंचेगा, जस्ट देख के सोचो आप, कोई कंक्लूसिव डिसीजन मिल रहा है क्या? ए वन आपने निकाला है वो वाई के फंक्शन में आ गया है, और ए टू निकाला है आपने एक्स के फंक्शन में आया है, सॉरी ए वन जो निकाला है उसमें एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, और ए टू जो निकाला है उसमें भी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, दिख रही है आपको? हाँ सर। तो यहां से क्या कंक्लूसिव डिसीजन मिल रहा है कि कौन पहले पहुंचेगा? डू यू आर यू एबल टू फाइंड आउट? नहीं नहीं, इससे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कौन पहले पहुंचेगा, देख के तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, तो अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। सॉरी। तो अभी क्या करें, लेट अस ट्राई टू डू समथिंग एल्स। तो हमने क्या किया, इसका जो सेंटर ऑफ मास है अगर उसका लोकेशन एक बार देखें कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ आएगा, बीचों बीच में आएगा ना, क्योंकि आइडेंटिकल है, तो मैं सेंटर ऑफ मास को मिडवे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे कहीं होगा, ये आपकी सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास के लिए जो पोजीशन की कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे ये x by 2 एंड ये y by 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सोचो, इस लाइन, ये जो लाइन दिखा रखी है, ये वाली लाइन इस लाइन के इधर आ गई है, तो सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ पे कहीं अप्रोच करेगा, होगा नहीं होगा, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो पहले कौन पहुंचा होगा, Q2 पहुंचा होगा? यस सर। समझ आ रही है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर इस तरफ आ गई,
तो पहले कौन पहुंचा होगा? Q1, Q1. बट अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर इस लाइन पे आ गई, इस लाइन पे, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? साइमल्टेनियसली दोनों पहुंचेंगे, ठीक है? तो अब देखो, सोचने का मैं आपको एक तरीका बताया कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? मैं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ही चूज कर रहा हूँ. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है एंड एक्स एक्सिस हमारा राइट की तरफ है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं. सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको. सो एम वन ए वन, सो इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए वन विच इज माइनस ऑफ, कितना हो जाएगा ये, ए वन माइनस ऑफ ए वन जे कैप एंड प्लस एम इंटू दिस विल बी माइनस ऑफ ए टू और ये हो जाएगा आई कैप एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी टू एम. ये एम गेट्स कैंसिल आउट. आप यहां से ए वन और ए टू को जस्ट एफ कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में लिख लो, ये यू नो देखना आसान होगा आपको. तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज कमिंग आउट टू बी ए वन का वैल्यू, माइनस को कॉमन आउट कर लेते हैं और f भी कॉमन आउट हो जाएगा. तो f बाई टू एम आ गया एंड यहां से आ गया आपके पास ए वन में था साइन थीटा जे कैप एंड प्लस कॉस थीटा आई कैप. देखो तो ये आ रही है, आ रही है. अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो आप, ये एंगल थीटा है क्या? देखो तो डायग्राम, इज दिस एंगल थीटा भैया? है, यस यस, ठीक है. सिमेट्री से भी कह सकते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से कह सकते हैं. तो इसका मतलब है देखो, x by, जो अगर आप देखोगे तो यूनिट वेक्टर अगर आप इस तरफ इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर मैं r वेक्टर कह रहा हूँ, ठीक है, दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r वेक्टर. तो देखो तो r वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है. हाँ सर, हाँ दिख रही है आप सबको. देखो cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप है, दिख रही है? Awesome. तो इसका मतलब है क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज f by 2m into minus of r cap. इसका मतलब है center of mass की acceleration, acceleration of center of mass is directed towards origin. और अगर ये directed towards origin है, इसका मतलब दोनों masses क्या होंगे, एक साथ ही पहुंचेंगे. So therefore, both masses reach simultaneously. Did you understand? Yes, sir. इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता था, मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ. जिनकी मैकेनिक्स अच्छी है उनको ये सब चीजें जल्दी स्ट्राइक करेगी, मैकेनिक्स अगर आपकी खराब है तो फिर बहुत मुश्किल होगा. देखो एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिखा रहा हूँ. देखो मुझे बस ये अगर पता चल जाए कि जो एंगल थीटा है ये कोर्स ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर ये पता चल जाए तो फिर तो मैं ये डेफिनेटली बता पाऊंगा कि कौन पहले पहुंचेगा. जैसे मान लो कि ये थीटा टाइम के साथ अगर बढ़ता चला जाए, जैसे थीटा अगर सोचो कि बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, मतलब ये कुछ ऐसा होता जा रहा है ऐसे, तो पहले कौन पहुंचेगा? Q2 पहुंच जाएगा. समझ आ रही है आपको? Do you understand this? Yes, अगर थीटा घटता जा रहा है तो पहले कौन पहुंचेगा? Q1. और अगर थीटा फिक्स है तो कौन पहले पहुंचेगा? एक साथ पहुंचेंगे. Are you understanding it? तो मुझे ये बस देखना है कि एंगल थीटा चेंज कर रही है या नहीं कर रही है. और एंगल थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे का एंगुलर वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जीरो आ रही है हमेशा या नहीं आ रही है. अभी तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी है ही नहीं दोनों के पास में, आपने रेस्ट से रिलीज किया है. तो लीनियर वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों का जीरो आएगा, राइट? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी वो जीरो ही आएगी. और अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो अभी है तो बाद में जीरो रहेगी या नहीं कौन डिसाइड करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एक पे बैठ के अगर आप देख रहे हो कि दूसरे का एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है तो पक्का है इस केस में आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, है या नहीं? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा इसका मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा इसका मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. ठीक है,
तो मेरा आइडिया बस यही है कि मैं ये फाइंड आउट कर लें कोई एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है या नहीं है. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेडिक्ट, सॉरी वी ट्राई टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर. And if it is zero, then omega, मतलब relative omega कह रहे हैं, relative will remain zero, and hence theta will not change. Theta will not change. बस अब यही हमें try करना है. तो करते हैं, देखो ये दोनों चार्जेस को हमने कनेक्ट किया था. यहाँ पे एक चार्ज था, इसकी एक्सेलरेशन हमने फाइंड की थी, नीचे की तरफ आई थी, दिस वाज ए वन. और यहाँ पे दूसरा चार्ज था, इसका एक्सेलरेशन आया था लेफ्ट की तरफ ए टू, और ये एंगल हमने थीटा चूज किया था, ये था ना राइट. अपने फ्रेम को आप किसी एक में सिचुएट कर लो, किसी भी एक में कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो लेट अस से हमने अपने फ्रेम को यहाँ पे सिचुएट कर दिया, ठीक है, मैं ऊपर वाले चार्ज पर अपने फ्रेम को सिचुएट कर दिया है. तो जब भी आप अपने फ्रेम को किसी एक मूविंग चार्ज पर सिचुएट करोगे तो वो फ्रेम तो आपके लिए स्टेशनरी हो गया, वो मूव नहीं कर रही है, बट इस फ्रेम का एक्सेलरेशन को आपको रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा. तो अभी आप ए वन को रिवर्ट करके इसमें ऐड करोगे, जो वेक्टोरियल डिफरेंस होता है, तो वेक्टोरियली आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब रिवर्ट करके ऐड करना पड़ेगा. तो ये माइनस ऑफ ए वन वेक्टर है, बट मैग्नीट्यूड में तो ये ए वन ही है नहीं है राइट सर. तो अब इस एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करो, जो लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट ब्रेक करो. तो अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एंगल थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो ऑब्वियसली दिस विल बी थीटा. तो इस तरफ का कंपोनेंट आ गया a1 cos थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट आ गया a1 sin थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा a1 sin थीटा प्लस a2 cos थीटा. समझ आ रही है? हां सर. अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसका काम क्या है? इसका काम है इन दोनों के बीच का रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करना, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के अगर ये लोग पास आएंगे तो इस कंपोनेंट की वजह से ही आएंगे. समझ आ रही है? या फिर एक दूसरे के, मतलब जैसे अगर आप सोच के देखो कि अगर दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन चेंज हो रही है, इधर से चेंज हो रही है, तो वहां पे एक वेलोसिटी होनी चाहिए. अब वो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज बेसिकली ये डिसाइड कर सकता है. आर यू गेटिंग इट? हां सर. और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन दिख रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो मतलब लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसमें से जो भी बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा कि रिलेटिव ओरिएंटेशन किधर होगा. जैसे अगर मान लो कि ये वाली लाइन बड़ी है, मतलब जो a1 cos थीटा वाला जो लाइन दिखाया है वो बड़ा है a1 sin थीटा से. अच्छा, दोनों a1 क्यों कर दिया मैंने, a2 हो गए, ये a2 है. a1 sin थीटा वाला मान लो कि a2 से बड़ा है, a1 cos थीटा वाला a2 sin थीटा से बड़ा है. अगर ये वाली बड़ी है तो इसका मतलब है नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये इधर टर्न कर जाएगा, होगा नहीं होगा, जो लाइन होगी वो इधर टर्न कर जाएगी. बट अगर ये a1 cos थीटा और a2 sin थीटा अगर सेम हो गया तो क्या ये लाइन टर्न करेगा? नहीं करेगा. तो अब हमें अल्फा निकालनी है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर अल्फा निकालनी है तो अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल से वो निकालते हैं एंड डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कर लेते हैं. बस यही करना है आपको. और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है मतलब a1 cos थीटा एंड माइनस ऑफ a2 sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय सेपरेशन जो भी दिख रहा है आपको, ये सेपरेशन l लिख लेते हैं, तो ये l से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, a1 जब हमने निकाला था तो उसमें f sin थीटा बाय m था या नहीं? हां सर. हां, तो a1 cos थीटा करेंगे तो sin थीटा cos थीटा का प्रोडक्ट आ जाएगा, आएगा. और a2 में देखो क्या था, f cos थीटा था, तो a2 था f cos थीटा बाय m, तो a2 के साथ sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी sin थीटा cos थीटा का प्रोडक्ट आ गया, और f बाय m तो कॉमन ही है, तो क्या ये जीरो हो गया? आगे नहीं आ गया. तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या हो गया, वैनिश कर गया. दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो. और अगर ये जीरो आ गया, अगर रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. और अगर कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी से मैच करनी चाहिए, तो जीरो रहेगी. और अगर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है, ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन डज नॉट चेंज, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ चार्जेस डोंट चेंज.
और अगर वो चेंज नहीं कर रही है इसका मतलब दोनों एक साथ पहुंचेंगे, देखो बोथ अराइव साइमल्टेनियसली। समझ आई सभी को? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हाँ सर। यस सर। अरे एक बात पूछू? हाँ हाँ बोलिए ना, क्यों नहीं पूछे सर। वो डी और टू डी का काम क्या हुआ? उसका काम कुछ नहीं, वो मिसलीड करने के लिए दिया। ठीक है। वो डी और टू डी के जगह कुछ और भी होता तो भी आंसर सेम होता। समझ आई आपको? हाँ सर। हाँ उसका कोई काम नहीं था। क्वेश्चन में कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग डेटा आपको देंगे जहां से आपको लगेगा कि कुछ अलग आएगा, बट सेम ही आएगा। ये मैंने x और y इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे ये तो पता चल रहा था कि ये सेपरेशन चेंज होने वाली है, तो सेपरेशन चेंज होने वाली है तो मैं उसको एक वेरिएबल की वेरिएबल ट्रीट किया मैंने, और उसके बाद फिर जो भी वेरिएबल के टर्म्स में आंसर आता उसके अकॉर्डिंग सोचते। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक लार्ज प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और उस xy प्लेन के तीन क्वाड्रेंट को उसने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, तीन क्वाड्रेंट को। प्लस सिग्मा देखो दिखा रखा होगा, दिख रहा है आपको प्लस सिग्मा तीन क्वाड्रेंट में? हां सर। और एक क्वाड्रेंट में माइनस सिग्मा का चार्ज है। ठीक है। एंड उसने पूछा है आपसे, वी मूव फ्रॉम अ पॉइंट 00 r1 टू 00 r2, फाइंड va माइनस vb, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो कहां के पॉइंट्स हैं? z एक्सिस के। हां सर। ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में यू नो पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। जब आप अच्छी सी डायग्राम बना लेते हैं तो आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये जेड एक्सिस है। उसकी डायग्राम में इतना फील नहीं आ रहा है, बट अभी तो फील आ रहा है पूरा, है ना? फील आ रहा है क्वेश्चन? ये वाली जो शीट है, ये वाली पार्ट जो है, ये क्वाड्रेंट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली क्वाड्रेंट भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली क्वाड्रेंट भी पॉजिटिवली चार्ज है, बट ये वाली क्वाड्रेंट आपकी नेगेटिवली चार्ज है। पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। सपोजिटली मान लेते हैं कि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे, जेड एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालते तो ये फील्ड कितना होता? कितना होता? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता। एक सिंगल शीट के लिए फील्ड कितनी लेते हैं आप? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस। तो इसमें अगर मैं एक एक पार्ट का कंट्रीब्यूशन निकालूं, अगर मैं पूछता कि आप बताओ इसमें से एक एक पार्ट का कंट्रीब्यूशन z एक्सिस के अलोंग कितना है, तो कितना लिखते हैं? 1/4? 1/4 ईच, राइट? सो दिस हैज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ, दिस हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स। Are you getting it? समझ आ रही है सभी को? समझ आ रही ना? Yeah. अब आप क्या करो? हाँ सर। ठीक है बेटा, अभी देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं।
यहाँ पे उसने ये माइनस माइनस दे रखा है। तो अब बताओ यहाँ का फील्ड अगर आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, यहाँ का फील्ड जो अलॉन्ग जेड एक्सिस आएगा, जेड एक्सिस का कॉन्ट्रीब्यूशन से मैं बात कर रहा हूँ, ई जेड कितनी आएगी, कितने लिखेंगे, तीन का इक्वल क्वार्टर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। हाँ सर। तो एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, सिग्मा बाई एट एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एट। हाँ तो थ्री टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई एट एप्सिलॉन नॉट, एंड नेगेटिव वाले के लिए तो अट्रैक्टिव होगा, मतलब सिग्मा बाई एट एप्सिलॉन नॉट करेंगे, होगा या नहीं है सर। हाँ होगा। तो इसका मतलब फील्ड कितनी मिली आपको, दिस इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाई एट एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट आ गई है। समझ आई आप सबको। हाँ अब अगर ये फील्ड है टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे सोचो एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R2 - R1। दिस सेपरेशन इज R2 - R1। तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, सो वी ए माइनस ऑफ वी बी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन विच इज R2 - R1। हो गया आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्लियर है? तो फिर तो बी हायर पोटेंशियल हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। तब आपको वी बी माइनस वी ए लिखना पड़ता। हाँ ठीक है, मैंने देखा नहीं आप ये माइनस वी बी। ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The electric field in a certain region of space is E vector equal to minus x I cap minus of y by 4 j cap. The potential at origin is 0 volt. Origin पे 0 volt दे रखा है. The locus of all points having potential of 9 volt. ये आपको find करना है. Find the locus of all points having a potential of 9 volt. Also show roughly the distribution of field lines in the surrounding of origin. ठीक. निकालते हैं, देखते हैं क्या किस area. प्रोसीड करें। आप पहले मेन जनरल डेफिनेशन यूज करो। अगर आप दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो VB माइनस ऑफ VA, तो इसको कैसे लिखते हो आप, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर ऑफ A टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यही लिखते हैं आप, लिखते हैं यही डेफिनेशन है ना, यही डेफिनेशन है। हाँ सर। ठीक है, अब जो पॉइंट B है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है x कॉमा y, ठीक है, और पॉइंट ए अपना ओरिजिन है, तो हम ए को लिख रहे हैं ए इज ओरिजिन 0, 0 एंड बी जो है वो हमारे लिए है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 9 - 0 इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी ई एक्स डी एक्स 0 to x एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to y। देखो समझ आ रही है? हाँ सर। So, ये हो गई नेगेटिव ऑफ ई एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस एक्स है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस फिर से बाहर चला गया और यहाँ हो जाएगा 1/4 तो है ही एंड प्लस एक और आएगा तो मतलब आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एट आ जाएगा। देखो तो ये आ रही है क्या, वाई स्क्वायर बाई एट। यस सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ सर। Yes, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इक्वेशन कैसा बन रहा है, x square by 18 plus y square by 72 is equal to 1, ये आ रही है ना? हाँ सर। तो जो हमारा रिक्वायर्ड लोकस है वो क्या है, एलिप्स है? लोकस इज एन एलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर्ड है ना। हाँ हाँ right? मेजर एक्सिस बड़ा कौन सा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग या एक्स एक्सिस के लॉन्ग? वाई एक्सिस के लॉन्ग मेजर, वाई एक्सिस के लॉन्ग है मेजर एक्सिस आपका, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इसको अगर आप मैं अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा दिखता आपको, देखो समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है,
और एक चीज देखो, अगर मैं ये सपोजली 9 वोल्ट नहीं देके 25 वोल्ट देता, 60 वोल्ट देता, 80 वोल्ट देता, कुछ भी वैल्यू देता, मतलब ये कोई भी पॉइंट का देखो, आरएचएस का इंटीग्रेशन क्या चेंज करता हमारा? नहीं। तो इसका मतलब सारे जो कितना भी वोल्ट का पोटेंशियल ले लो, सारा लोकस क्या होता है, इस तरह के इक्वेशन में क्या होता है, लोकस क्या आता, एक एलिप्स ही आता ना, है नहीं आता? हाँ सर। इसका मतलब इस तरह का, मतलब जो भी फील्ड दे रखा है, इस फील्ड का जो एलिप्स, मतलब जो लोकस है, वो बेसिकली सारा क्या होगा, मल्टीपल एलिप्स ही बनता चला जाएगा। तो ऐसे एलिप्सिस ही बेसिकली आपके लगातार बनते चले जाएंगे। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, अब ये देखो, ओरिजिन पे कितना वोल्ट था, ओरिजिन पे कितना वोल्ट था, जीरो वोल्ट था। और यहाँ पे जो हमने एक सरफेस चूज किया था, उस सरफेस पे कितना वोल्ट था, 9 वोल्ट था। 9। और फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ पॉइंट करना है, एंड सरफेस से मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसके साथ हर जगह परपेंडिकुलर भी आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे आप, कैसे दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखना है, फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा? इधर से तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही निकल जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ, ऊपर नीचे से तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ऊपर नीचे से स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा, वो परपेंडिकुलर है ऑलरेडी। अच्छा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा, राइट फेसिंग स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन इनवर्ड होगा क्योंकि फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हाँ सर, डायरेक्शन इनवर्ड दिखाएंगे। बट इसके इधर जब जाएंगे तो कैसा दिखेगा, देखो देखो, तो ऐसा दिखेगा क्या, देखो सरफेस पे हर जगह देखो परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? हाँ, इसी दे? हाँ सर, ये देखो, एकदम बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकल सा प्लॉट आप इधर भी कर लो। समझ आ रही है ना आपको? हाँ सर। और एग्जैक्टली ये वाला रेप्लिका आपका नीचे में भी हो जाएगा। कोशिश करिएगा परपेंडिकुलर दिखाने की, रफ एंड डायग्राम है हमारा। समझ आई सभी को? हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया हमारे लिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक मिनट जस्ट दिखाने के लिए, आप क्वेश्चन पढ़ो। A point charge Q is placed between two large parallel charged conducting plates A and B, separated by a distance L. Find the induced charges Q1 and Q2 on the two plates if the plates are connected by a conducting wire and Q is at a separation of L1 from A. ये भी दे रखा उन्होंने। ठीक है, तो एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है, तो यहां से ऐसा दिखा देते हैं। सो लेट अस से ये एक चार्ज प्लेट है और ऐसा ही एक और चार्ज प्लेट इसके पास में यहां रखा है। इनके बीच का सेपरेशन आप काफी कम मानेंगे क्योंकि लार्ज प्लेट उसने ऑलरेडी दे रखा आपको, ठीक है, दे हैव गिवन अस दिस इज अ लार्ज प्लेट। इनके बीच की सेपरेशन उसने दे रखी है, दिस इज एल, एक प्लेट को उसने ए कह रखा है, एक प्लेट को उसने बी भी कह रखा है, और एक पॉइंट चार्ज को रखा है डिस्टेंस L1 फ्रॉम A, मतलब सिमेट्रिकली नहीं रखा है। तो यहाँ पे हमने
क्यू को रख दिया एंड ये वाले डिस्टेंस को मान लेते हैं इधर से एल वन है, और उसके बाद उसने ये भी कह रखा है कि दोनों प्लेट जो है वो कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर है, मतलब यहां से आपने एक वायर लिया है और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, यही सिचुएशन है ना, देखो चेक करो एक बार। ठीक है, दोनों को मिला के, दोनों को मिला के अगर आप चेक करते हो, इफ द प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, ठीक है, सो अगर आप दोनों प्लेट्स को मिला के अगर देखोगे तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इसका मतलब नेट चार्ज सिस्टम पे कितनी रहेगी, जीरो ही रहेगी, ये तो पक्का है नहीं है, नेट चार्ज और सिस्टम अगर निकालेंगे, मतलब चार्ज प्लेट का सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पॉइंट चार्ज को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसमें, सिर्फ चार्ज प्लेट की अगर मिला के बात करें, मतलब ए प्लस बी का मिला के चार्ज, वो हमेशा जीरो रहेगा, है ना, क्योंकि पहले से अनचार्ज है तो बाद में भी अनचार्ज ही रहेंगे, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ चार्जेस मान लेते हैं, लेट अस से कि यहाँ पे कुछ एक चार्ज आ गया है Q1, यहाँ पे कुछ एक चार्ज आ गया है Q2, यहाँ पे कुछ एक चार्ज आ गया Q3 एंड यहाँ पे कुछ एक चार्ज आ गया Q4। तो एक चीज तो हमें श्योर होकर पता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये आपके जीरो होने चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंस द प्लेट्स आर आइसोलेटेड, द प्लेट्स आर आइसोलेटेड, इसलिए नेट चार्ज उसका आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज अब ये सोच के देखो कि Q2 और Q3 का सम कितना होगा, तो Q2 और Q3 का जो सम होगा वो आपका Q से मैच करेगा, ये भी आप श्योर होकर कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं जो इस कंडक्टर A के थ्रू होता हुआ और कंडक्टर B के थ्रू होता हुआ फिर उसके बाद फिर वापस इधर से चला जाए, तो देखो इसको अगर गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस चूज करें, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू चूज करें, तो नेट फ्लक्स कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो फील्ड होता नहीं है, कंडक्टर के अंदर फील्ड गायब है, और बाहर में जो है वो फ्रिंजिंग होता भी है तो आपको याद होगा, तो फ्रिंजिंग में जो फील्ड लाइन इधर से एंटर करती है वही इधर घुस भी जाती है, याद है आपको, ठीक है, तो फ्रिंजिंग, और वैसे भी फ्रिंजिंग वाला पार्ट को हम हमेशा नेग्लेक्ट करके चलते हैं लास्ट प्लेट्स में, तो इसका मतलब ये निकला कि नेट फ्लक्स आपके जीरो होनी चाहिए, और नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है कि नेट चार्ज इनक्लोज भी जीरो होनी चाहिए, और चार्ज इनक्लोज उसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितनी दिख रही है आपको, Q2 Q3 और Q, तो इसका मतलब Q2 और Q3 का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ Q होना चाहिए, है ना, आ रही बात समझ में, है ना, अगर Q2 और Q3 का सम जीरो है, सॉरी Q2 और Q3 का सम अगर Q है, सॉरी माइनस Q है, इसका मतलब Q1 और Q4 का सम जो होगा वो प्लस Q हो जाएगा, प्लस Q होगा, राइट, तो इससे हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि Q1 और Q4 का जो सम होना चाहिए दैट इज प्लस Q होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको सोचना चाहिए एज अ स्टूडेंट, मैं वैसे वैसे बताते जा रहा हूँ। अब देखो उसने एग्जैक्टली हमसे ये पूछा है कि Q2 कितना है और Q3 कितना है, अब ये फाइंड आउट करना है, अब ये कैसे निकालें, अब ये चेक करते हैं। तो पहले ये सोचो कि अगर मान लेते हैं, लेट्स से कि मान लेते हैं कि हमने ऐसा सोचा कि इसी ये जो लाइन दिख रही है मुझे, एक मिनट, ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन पे सपोजिटली मैं यहां पे ही एक और चार्ज अपनी तरफ से रख देता एंड मान लेते हैं इसको Q ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से दिस इज Q, तो क्या चार्ज इंड्यूस जो होता जस्ट डबल नहीं हो जाता, होता है नहीं, हाँ सर हो जाता, क्योंकि ये प्लेट्स इनफाइनाइट लार्ज साइज के हैं, तो इसलिए आप बोलोगे सर थोड़ा सा तो ऊपर शिफ्ट हो गया तो चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सोच के देखो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके एंड्स आपको दिख नहीं रहे, क्या आपको ये जब हम लार्ज प्लेट्स बोलते हैं तो क्या ये लार्ज प्लेट्स में एंड्स हमको दिखते हैं, दिखते हैं क्या एंड्स, नहीं दिखते हैं क्या, जैसे ये एक लार्ज प्लेट है, ये एक लार्ज प्लेट है मेरे लिए, तो ये लार्ज प्लेट का एंड्स हमको तो नहीं दिख रहा है, वी आर नॉट सीइंग द एंड्स, क्योंकि हम इसके बहुत क्लोज खड़े हैं, तो अगर मैं इसको अगर ये पॉइंट को थोड़ा सा अगर ऊपर भी शिफ्ट कर दूं तो भी तो मेरे लिए ये एंड नहीं भी दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है हमको कोई एंड, नहीं सर, तो सेपरेशन हमने चेंज नहीं किया प्लेट से, बस उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, तो इंड्यूस चार्जेस पे जो इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज था वो जस्ट डबल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अब आपने Q की जगह 2Q रख दिया, समझ आ रही है, आर यू गेटिंग इट, हां सर, ठीक है, अगर इमेजिन करो इस लाइन पे मैं n नंबर ऑफ चार्ज Q रख देता, n नंबर ऑफ Q चार्जेस रख देता, तो क्या आपकी इंड्यूस चार्ज भी n टाइम्स नहीं हो जाती, होती है नहीं, होती सर,
Are you getting it? Induced charge जो आता Q2 और Q3 वाले जो induced charges होते हैं वो भी आपके n times हो जाते हैं. लॉजिक वही है मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सिंस प्लेट्स लार्ज हैं तो लार्ज प्लेट्स होने की वजह से जब आप चार्जेस को अगर ऊपर नीचे मतलब उसी प्लेन में रखे ऑब्वियसली उसी प्लेन में मतलब उसे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं करनी है तो उसी प्लेन में रख के अगर आप उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो तो उससे बेसिकली चार्ज का जो इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू आएगी नेट वो आपकी चेंज नहीं करती है मतलब एक को अगर आप वहीं पर रखे इंड्यूस को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो अब आप क्या करो अब आप ऐसे सोचो कि मैंने क्या किया यहाँ पे क्यू नहीं रखे ऐसे सोचो बहुत सारे डी क्यू अब ये भी क्यू नहीं है इसको भी आप डी क्यू की तरह सोचो ऐसे यहाँ क्यों नहीं अब इसको भी सोचो डी क्यू है ये सारा डी क्यू है इधर पे सारे डी क्यू है ये डी क्यू ऐसे डी क्यू करके लाइन में रखा हुआ है और सारा डी क्यू का जो सम है वो आपका मिला के क्यू ही हो जा रहा है तो आप बताओ मुझे नेट चार्ज जो इंड्यूस होती वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से और ये लाइन मतलब लाइन तो नहीं बोलना चाहिए सरफेस ऑफ चार्ज क्यू की डी क्यू की वजह से डी क्यू मिला के सारा तो क्यू हो गया तो इन सारे क्यू की वजह से मतलब डी क्यू का सारा सब मिला के जो क्यू बना उस क्यू की वजह से भी तो सेम ही इंड्यूस होगा समझ आया आपको हाँ सर सर डिड यू ऑल अंडरस्टैंड तो अब आपको क्या करना है जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू को निकालनी थी हमें उसको निकालने के लिए अब हमें बस ये कंडीशन को यूज करना है कि हमने यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज को रिप्लेस करके एक शीट ऑफ चार्ज वहां पे डाल देंगे और वो शीट ऑफ चार्ज पे एग्जैक्टली उतना ही चार्ज रखेंगे जितना का पॉइंट चार्ज था हमारे पास एंड उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे तो अब बस वो वाला काम हमें करना बचा हुआ है ठीक है तो अब मैं वही कर लेता हूं तो यहां पे क्यू चार्ज था सो अब हमने क्या किया है हमने कहा कि दिस इज इक्विवेलेंट टू जैसे थोड़ा सा डायग्राम का सुधार दो अब यहां पे आपको एक सिंगल शीट ले लेना दिस इज अ सिंगल शीट ऑफ चार्ज This mention कर देते सिंगल शीट ऑफ चार्ज ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू जो चार्ज हमने पॉइंट चार्ज दिया था वो क्यू था तो क्यू बाई एरिया कर लेंगे आई गेटिंग इट ठीक है अब काम इतना मुश्किल नहीं है अब हम आराम से कर सकते हैं तुमको याद है कि कंडक्टर के सर्फेस के पास में जो भी हमें चार्ज डेंसिटी मिलती है वही उसी चार्ज डेंसिटी के ऊपर फील्ड डिपेंड करती है तो अगर मैं इस रीजन का फील्ड अगर ऐसा दिखाता हूं इधर की तरफ है मान लेते हैं लेट अस से ये E2 है ये E2 प्रोड्यूस हो रही है और इधर से हम मान लेते हैं ये E3 प्रोड्यूस हो रही है डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैंने कैसे दिखाया इस तरह से क्यों दिखाया मतलब दोनों में ही शीट की तरफ क्यों दिखाया है उल्टा भी कर सकते हैं मतलब आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इनफैक्ट उल्टा ही दिखाना चाहिए हमें क्योंकि जो सोर्स था वो तो वही था तो इधर एंड इधर ऐसा दिखा दिया क्योंकि दोनों तरफ में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर आपने यहाँ रखा है और इसके इधर पे मेटल प्लेट है और इधर भी मेटल प्लेट है तो दोनों में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करेगा तो इसलिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आप मूव कर रहे हैं आपको समझ आ रही है हाँ सर ठीक है तो फील्ड आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा एंड देखो जो प्लेट ए और प्लेट बी है वो दोनों तो आपस में कनेक्टेड है ना है या नहीं है और अगर वो दोनों आपस में कनेक्टेड है इसका मतलब पक्का है कि अगर मैं बीच वाला जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है जो बीच वाला नया प्लेन ड्रॉ किया जिसमें सिग्मा मार्क किया है तो उस सिग्मा वाले प्लेट से अगर मैं प्लेट ए की तरफ जाऊं और सिग्मा वाले प्लेट से प्लेट बी की तरफ जाऊं तो दोनों में मुझे सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए है या नहीं है एज प्लेट्स ए एंड बी आर कनेक्टेड कनेक्टेड होने का मतलब है कि पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी और इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं लेट अस से दिस इज सी इसको सी मान लेते हैं ठीक है तो आप ये लिख सकते हैं कि वी सी माइनस ऑफ वी ए विल बी इक्वल टू वी सी माइनस ऑफ वी बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन तो इसको लिख सकते हैं आप E2 मल्टीप्लाइड विद L ये L1 था शायद हाँ ये L1 था ये L1 लिख लीजिएगा ठीक है L1 था L नहीं था L1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू
E3 मल्टीप्लाइड विथ L माइनस ऑफ L1 लिख सकते हैं. और E2 किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज डेंसिटी मेटल सर्फेस के पास कितना है, Q2 है. तो Q2 डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू L1, समझ आ रही है आपको. Q3 डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू L माइनस ऑफ L1, आई समझ में. देखो एप्सिलॉन नॉट A कट गई है और Q2 Q3 के आपको रिलेशन मिल गई है. तो यहां से आपको दिख रही है Q2 बाई Q3, दिस इज कमिंग आउट टू बी L माइनस ऑफ L1 डिवाइडेड बाई L1, या फिर इसको आप L2 भी कह सकते हैं. ये जो सेपरेशन है जिसको L माइनस L1 लिखा हमने, L माइनस L1, इसको आप L2 लिख सकते हैं. तो इसको आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट ये L2 बाई L1 आएगा. मतलब जो चार्ज इंड्यूस हो रही है वो देखो आप इनवर्स प्रोपोर्शन में इंड्यूस हो रही है, दिख रही है आपको. मतलब जिससे क्लोजर है उसमें ज्यादा इंड्यूस होगा, जिससे दूर है उससे कम इंड्यूस होगा. और Q2 और Q3 का सम भी कितना था, देखो Q2 Q3 का सम कितना था, माइनस क्यू था. तो इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 कह रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर यूज करोगे, यूजिंग 1 एंड 2, क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. देखो तो Q2 की वैल्यू विल बी L2 बाई L1 प्लस L2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद द टोटल चार्ज व्हिच इज माइनस Q, लिख सकते हैं. सर ठीक है. और L1 प्लस L2 तो L ही है, इसको लिख लो. तो दिस इज माइनस ऑफ Q इनटू L2 बाई L आ जाएगा. एंड आपका जो Q, ये तो हो गया इधर Q2 हो गया और Q3 चाहिए था, तो Q3 विल बी L1 बाई L1 प्लस L2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ माइनस Q एंड दैट बिकम्स माइनस Q इनटू L1 एंड डिवाइडेड बाई L आ जाएगा. समझ आई सभी को? हाँ, समझ आई. और एक चीज, अभी Q1 Q4 भी तो आपको ऑलरेडी पता है. देखो आपको ये पता है ना कि आउटर सर्फेस पे चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं, याद है आपको. जब भी पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट मिलता है तो जो भी चार्जेस एक्सट्रीम आउटर सर्फेस पे होते हैं वो समेशन ऑफ चार्ज बाई 2 होते हैं, याद है आपको. याद है पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में किया है ना आपने ये. अगर n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स हैं और सब में कुछ 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 चार्जेस दिए हुए हैं, तो एक्सट्रीम आउटर सर्फेस जो दो होते हैं उन दोनों के चार्जेस कितने होते हैं, समेशन ऑफ चार्ज बाई 2 होते हैं, राइट. तो आपने देखो Q1 और Q4 का सम ऑलरेडी निकाल रखा है, वो Q है. तो देखो ये चीज तो श्योर होकर कह सकते थे कि Q1 और Q4 ये तो इक्वल होता है. ये पहले के कंसेप्ट से आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड ही जीरो नहीं होगा. अगर आपने ये दोनों को इक्वल नहीं रखा तो कंडक्टर के अंदर फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा. तो ये इसको इक्वल रखा एंड दैट विल बी क्यू बाई 2 कर लिया. समझ आई आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है. मैंने इस पॉइंट चार्ज को रिप्लेस सिंगल शीट से क्यों किया था, ये समझ आ गया था आपको. क्योंकि अगर मैं एक सिंगल शीट के सामने में एक पॉइंट चार्ज को उसी प्लेन में रख के ऊपर और एक और पॉइंट चार्ज रख देता तो चार्ज इंड्यूस डबल हो जाती, एक और रख देता तो चार्ज इंड्यूस ट्रिपल हो जाती. मतलब कि अगर क्यू चार्ज को ही DQ एलिमेंट्स में अगर डिवाइड करके पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो फिर इंड्यूस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिड यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ना? क्योंकि मेन इसका जो सॉल्व करने का कंसेप्ट है वही है. ठीक है, इसमें अगर फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो कैसा दिखता, फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा. एक्चुअल जो फील्ड दिखाएंगे तो आप ऐसा दिखेगा कुछ, जैसे फील्ड लाइंस जब पॉइंट चार्ज से निकलेंगे और मेटल सरफेस के पास जाएंगे तो ये बेंडिंग होगी, ऐसे होगी नहीं होगी. हाँ सर. और मेटल के सर्फेस पे तो परपेंडिकुलरली गिरना पड़ेगा उसको. ये जो हम दिखा रहे हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए दिखा रहे हैं. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को वायलेट नहीं करना कि सरफेस मेटल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली गिरना चाहिए. एंड राइट साइड में दूर है इसलिए फील्ड लाइंस की सेपरेशन भी बड़ी दिखाएंगे. बट जो प्लेट ए का लेफ्ट साइड है और प्लेट बी का राइट साइड है उस वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक दूसरे का होगा ना. क्योंकि आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट, एक पार्ट मतलब अंदर का रीजन बाहर के रीजन को इफेक्ट नहीं करता, याद है. हाँ सर. तो यहाँ पे जो आपको फील्ड दिखेगी वो आपको यूनिफॉर्म दिखेगी. अंदर में आपको बेंडिंग दिखेगी, बाहर में आपको बेंडिंग नहीं दिखेगी. मैं फ्रिंजिंग को इग्नोर कर रहा हूँ, फ्रिंजिंग नहीं दिखाया मैंने. देखो समझ आ रही है आपको. बट ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, उस इक्विवेलेंट डायग्राम में मैंने क्या माना है, अंदर भी यूनिफॉर्म फील्ड है और बाहर भी यूनिफॉर्म फील्ड है, ये माना ना मैंने. इसी वजह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए, और अगर ये नहीं दिया होता तो हम ये सॉल्व भी नहीं कर पाते.
समझ आ रही है? हाँ सर, हाँ, सर। अरे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ सर, चलो समझ आ गया तो आगे बढ़ जाए। हाँ सर, हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ये सब चीजें जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको एज अ स्टूडेंट कभी स्ट्राइक नहीं करेगा। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। डिस्क का चार्ज और रेडियस दिया हुआ है और उसके बाद आप उसको उसका आपको उसका सेल्फ एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। ये काफी अगर देखोगे तो बहुत ही मुश्किल काम लगेगा हमको। अगर एक डिस्क के लिए पूछा जाए तो डिस्क के लिए एटमैक्स हम एक्सिस पे फील्ड बता सकते हैं और फील्ड से इंटीग्रेट करके या पोटेंशियल को भी अगर निकालना है तो एक्सिस पे निकाल सकते हैं। बट डिस्क के किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे क्या आपने निकालना सीखा है पोटेंशियल? नहीं सीखा है। तो यहाँ पे वो एक मुश्किल पार्ट हो गई है। तो अभी ट्राई करते हैं, क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं भी अगर है तो क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें। सो मान लेते हैं ये हमारे पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क है हमारे लिए और इस डिस्क के पेरिफेरी पे हमें पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो मान लेते हैं वो पेरिफेरी वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ए मान लेते हैं। इस पॉइंट ए पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। पॉइंट ए से मैं एक डायमेट्रिक लाइन खींच रहा हूँ, ये डायमेट्रिक लाइन है और इसमें पूरी की पूरी अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये चार्ज अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी अगर सिग्मा पूछे तो आप सिग्मा निकाल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है तुमको? देखो अगर आपको कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं दिख रहा है पोटेंशियल का तो आपको बेसिकली इंटीग्रेट करके ही पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी, आपको ये सोचना है। अब ये एलिमेंट कैसा चूज करें ताकि आप आराम से निकाल सके, ये अब आपको सोचना है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि अब आप इंटीग्रेट करने के लिए एलिमेंट चूज कर पाए सही तरीके से। तो एलिमेंट चूज करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसे सोचा कि लेट अस से कि हम एक आर्बिट्री एंगुलर पोजीशन पे चले जाते हैं। एक आर्बिट्री एंगुलर पोजीशन पे चले गए और ये आर्बिट्री एंगुलर पोजीशन मैंने एंगल थीटा पे चूज किया है। यहां से फर्दर डी थीटा और ऊपर चले जाते हैं, डी थीटा और ऊपर चले गए। ये एंगल थीटा है, ये डी थीटा है। अगर थीटा से डी थीटा के बीच में मैं एक सर्कुलर आर्क यहां से कंसिडर करूं ऐसा, देखो यहां पे एक पतली सी स्ट्रिप बन रही है, देख रही है आपको? हाँ सर। और ये स्ट्रिप का डिस्टेंस पॉइंट ए से फिक्स्ड है नहीं है? है सर। हाँ सर। और आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कहाँ रखा है चार्ज क्या ये मैटर करता है या कितना दूर रखा है बस यही मैटर करता है? दूर कितना? दूर कितना दूर रखा है बस यही मैटर करता है। तो हम लोग अगर ये सेपरेशन को अगर आर मान लेते हैं तो ये आर बता सकते हैं क्या आप रेडियस कैपिटल आर के टर्म्स में बता सकते हैं? आसान है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल यूज करो। ये देखो जल्दी 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 जल्दी, अरे नहीं दिख रहा है क्या? 2r cos थीटा, 2r cos थीटा नहीं दिख रहा है? आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सर्कल नहीं पता है क्या? हां हां, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी? हां सर। होगी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल? हां सर होगी। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 2r है और बेस के साथ एंगल कितना बनेगा? थीटा, तो 2r cos थीटा हो गया ना? हां सर होगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये वाली जो लेंथ है इसमें देखो, ये वाली पार्ट को एक्सटेंड करके सोचें तो ये हमारा dr हो जाएगा, होगा ना? देखो तो ये dr होगा क्या? हाँ सर। हाँ सर होगी, मतलब r में जो चेंज हुआ वो dr हो गया। r घट रहा है, देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा तो r घटेगा। ठीक है, तो पहले dr कैलकुलेट कर लेते हैं, dr कितनी है क्योंकि उससे थिकनेस हमें पता चल जाएगा। तो रेडियस के लिए हमने लिखा है दिस इज 2r * cos थीटा, तो dr की वैल्यू हो गई 2r into माइनस ऑफ साइन थीटा into d थीटा। देखो dr नेगेटिव आ भी रही है, दिख रहा है आपको? नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जो अगर आप थीटा को बढ़ाओगे तो d थीटा पॉजिटिव आएगा एंड d थीटा अगर पॉजिटिव आया तो dr आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, इंडिकेटिंग कि r डिक्रीज कर रही है, जो कि आपको ऑब्वियसली दिख रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव आप समझो इस सारी चीजों को। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया जिससे हमने dr कैलकुलेट कर लिया।
तो इसमें सोचो जो एलिमेंटल चार्ज होगा dq, इसके अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज होगा इसको dq लिख लेते हैं। तो dq कितना लिखेंगे आप, सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ सर। डी ए कितना होगा, वट विल डी ए बी, आर्क लेंथ इसका कितना है, आर इंटू टू थीटा है क्या, देखो तो आर इंटू टू थीटा इज दी आर्क लेंथ, एंड इसके साथ आप डी आर को मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो आपको मिल गया क्या dq, देखो सिग्मा इंटू आर इंटू टू थीटा, आर इंटू टू थीटा इज दी आर्क लेंथ, आर्क लेंथ से आपने थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिल रहा है, एक स्ट्रिप मिल रही है, उस स्ट्रिप की लेंथ एंड ब्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया है, समझ आई आपको? स्मॉलर होगा सर, वो स्मॉलर होना चाहिए ना, स्मॉलर सर, स्मॉलर सर, हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, सही सही सही, ये गलती से लिख दिया, ठीक है भाई, ठीक है। अब dq भी मिल चुका है आपको, और आपको सिग्मा पता ही है, मतलब आपको सेपरेशन पता ही है, तो अब आप पोटेंशियल dv लिख लो, सो पोटेंशियल dv एट a, सो dv की वैल्यू अगर लिखें तो लिख सकते हैं k into dq डिवाइडेड बाय r, कैसा लिखा जा सकता है, dq के कैपिटल क्यों लिखेंगे, dq में कैपिटल, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सो दिस बिकम्स k, dq को लिखेंगे तो सिग्मा into r, 2r थीटा लिख लेते हैं, 2r थीटा into, क्या लिखें, 2r थीटा into dr and divided by r लिखेंगे, यहाँ से देखो ये r और ये r cancel out हो गई, दिख रही है आपको? हाँ सर। और इसको लिख सकते हैं हम 2k sigma into theta into dr, dr was minus of 2r into sin theta into d theta, minus of 2r sin theta into d theta, ठीक है, चेक कर लो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी हम क्या करें, इसी को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, सो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगी, सो dv की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, k को 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख ले, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा को लिख ले तो चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा इसको सिग्मा ही रहने देते हैं, सिग्मा के टर्म्स पे याद रखना आसान रहेगा, अननेसेसरी नीचे पाई स्क्वायर आ जा रहा है, इसको सिग्मा ही रहने देते हैं, तो सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, एंड एक और, अच्छा एक और 2r भी बाहर आएगा, तो वो 2r जब बाहर आएगा तो 2 कटेगा, तो नीचे का 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे रहने देते हैं सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं, और यहाँ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी थीटा, अच्छा ये इंटीग्रेशन तो नेक्स्ट स्टेप होगा, दिस विल बी थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, देखो ये आ रही है, हाँ सर, ठीक है। अब थीटा का लिमिट्स कहाँ से कहाँ लोगे आप, ये देखो एक बार इस डायग्राम को, देखो पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 या पाई बाय 2 से 0, आप दूर के एलिमेंट से पास की तरफ जाते हैं या पास से दूर की तरफ जाते हैं, सर पास से दूर की तरफ, पास से दूर की तरफ, तो पास वाला डिस्टेंस जब आप लेंगे तो थीटा एंगल कितना होगा, पाई बाय 2 होगा ना, और पाई बाय 2, पाई बाय 2, हां सर, ठीक है, तो पाई बाय 2 से 0 के लिए आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो पाई बाय 2 से स्टार्ट करना है एंड आपको 0 डिग्री तक जाना है, ठीक है, तो अगर आपको v कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी माइनस ऑफ सिग्मा r बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा इनटू d थीटा एंड ये आ जाएगा आपका पाई बाय 2 से 0 तक, आर यू गेटिंग इट, हां। अब आपको ये इंटीग्रेशन का सोचना है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इस इंटीग्रेशन, किसी को पता है प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का क्या होता है, हां हां मतलब बड़ा सर, एक बार याद दिलाओ मुझे, मैं भूल गया हूं, याद दिलाओ, सो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी होता है यू प्राइम वी प्लस वी प्राइम यू, यू प्राइम वी, यू प्राइम वी किसको बोल रहे हो, यू प्राइम किसको बोल रहे हो, इंटीग्रेशन को ना या डिफरेंशिएशन को, ओ डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट, हां वो भी याद है सर, इंटीग्रेशन का तो पूछ रहा हूं तुमसे, हां सॉरी मैं डिफरेंशिएशन का बोल, इंटीग्रेशन का होगा इंटीग्रेशन माने यू होगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी होगा, गुड, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू होगा, माइनस होगा ना बीच में, हाँ माइनस, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स तो रहेगा ही एंड साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ यू रहेगा, यू रहेगा एंड वी डीएक्स, ये रहेगा ना, हाँ, हाँ, सही है, हाँ सर, ठीक है, तो इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान के रखिए, ये आपको इंटीग्रेशन में अगर आपने नहीं कवर किया अभी सेक्शन तो ये आपको कवर कर लेना है, बाद में कवर कर लेंगे, अभी फिलहाल बस मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत है, तो मैंने बता दिया क्योंकि इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो,
तो अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे. सो देयरफॉर वी की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट. एंड इसके साथ इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे पहले थीटा को हम डिफरेंशिएशन के लिए बचा के रखते हैं. ठीक है, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी थीटा आपका वो वन हो जाएगा. ठीक है, डी थीटा बाई डी थीटा आपका वन हो जाएगा, तो इसलिए थीटा को डिफरेंशिएशन के लिए बचा के रखते हैं. तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा थीटा एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेटेड फ्रॉम पाई बाई टू टू. अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट हम लास्ट में डाल देंगे. एंड माइनस ऑफ दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा. तो यहाँ माइनस कॉस थीटा डाल ही देते हैं. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा एंड इन टू डी थीटा, यही होगा ना. देखो चेक करो आपको एक. ठीक है, इसमें लिमिट्स अब बिठा देंगे तो लिमिट्स हो जाएगा आपका जीरो, सॉरी पाई बाई टू से जीरो लिखना है. लास्ट में लिमिट डाल देंगे, लास्ट में डाल दें लिमिट्स आपकी हो जाएगी. सो माइनस ऑफ सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा थीटा, सॉरी थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा एंड माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विल बी साइन थीटा. एंड अब आप लिमिट इसमें डाल सकते हैं पाई बाई टू से जीरो, लिख सकते हैं ना ऐसा. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. अब वैल्यूज को डालो. सो दिस विल बी माइनस ऑफ सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट. पहले जीरो डाले तो ये तो जीरो हो गया, प्लस साइन थीटा भी जीरो हो गया. एंड पाई बाई टू डाले तो कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, ये एक्चुअली माइनस होना चाहिए सर, एक बार देखो, माइनस ऑफ माइनस जीरो एंड प्लस साइन पाई बाई टू मतलब वन हो जाएगा. अगर आप देखोगे तो सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है, देखिए सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए आपको देखिए इतनी चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में मतलब करोगे ना तो बहुत टाइम भी वेस्ट होगा, इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा. ठीक है, डिस्क के पेरिफेरी पे कितनी पोटेंशियल होती है इसको याद रखिएगा, सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा इज दी सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया करके आपको मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर है सभी को. अब उसने सेकेंड पार्ट जो पूछा है सेल्फ एनर्जी पूछा है. सेल्फ एनर्जी निकालने का तरीका क्या है कि उस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा यही फाइंड करते हैं, राइट? याद है आपको? किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली ऑब्जेक्ट की अगर सेल्फ एनर्जी पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को चार्ज, उस ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा चार्ज अक्वायर करवाने में कितना वर्क करना पड़ा हमें एज एन एक्सटर्नल एजेंट, वही फाइंड आउट करते हैं. तो अब वही कैलकुलेशन करते हैं. तो सेल्फ एनर्जी के लिए देखो क्या कर रहे हैं, सेल्फ एनर्जी के लिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट वी डू इज हम कोई भी एक आर्बिट्री साइज का डिस्क बना लेते हैं. मान लेते हैं हमने रेडियस आर का डिस्क बना लिया, दिस इज अ रेडियस आर का डिस्क एंड यहाँ पे हम dq चार्ज इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और उससे हमने इसके सरफेस पे मतलब पेरीफेरी पे ही और डाल दिया. तो पेरीफेरी पे डालेंगे तो इसका रेडियस का रेडियस ऑफ डिस्क थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा. समझ आ रही है? ये चार्ज dq को लाके हमने यहाँ पे रखा. समझ आ रही है? तो ये dq यहाँ पे डेवलप हो गया, ये dq आपको यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखेगा और अंदर में चार्ज q आ चुका था, अंदर में जो चार्ज था वो q आ चुका था. सो q से आपने dq फर्दर डाला है तो कितना वर्क करना पड़ा होगा आपको इन्फिनिटी से आने तक के लिए. क्या आपको पेरिफेरी का चार्ज, क्या आपको पेरिफेरी का पोटेंशियल पता है कितना है, सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, पता है ना आपको? हाँ. तो डी डब्ल्यू जो आपको एज एन एक्सटर्नल एजेंट वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा एज एन एक्सटर्नल एजेंट, चार्ज डी क्यू मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल ऑफ पेरिफेरी आएगा, है ना? और इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं आप सिग्मा डी क्यू विल बी सिग्मा multiplied by area which is 2 pi r into dr and potential of periphery is sigma r by pi epsilon naught. clear hai? dekho ek check karo ek bar. theek hai, theek hai beta. ha sir. abhi aap kya karo yahan pe, total work nikalo aur wahi self energy ho jayegi. so therefore self energy becomes the total work done by the external agent and which is पाई तो कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पे और ये बच रहा है आपके पास ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर
integrated from 0 to Kepler aa jayega, and therefore this becomes r cube by 3 ho jayega, matlab 2/3 of sigma square by epsilon naught into r cube. Ye answer ho jayega. Clear hai? Haan sir. Haan sir. Haan sir. Theek hai. चलो भी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक शेल दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है और एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, दोनों ही चार्ज है, और इसकी वजह से उसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 एंड E2 है कोई भी एक छोटे से एलिमेंटल वॉल्यूम डीवी में, एंड E1 E2 इंडिविजुअली दोनों के फील्ड है, मतलब शेल का फील्ड है उसको E1 बोला है, एंड जो सॉलिड स्फीयर है उसकी फील्ड को उसने E2 बोली है, और आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है जिसको उसने दिखा रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी एप्सिलॉन नॉट इनटू E1.E2dV. अब ये सोच के आपको अजीब सा लगेगा कि क्या निकालना है, बट थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो डायमेंशन ही एक बार चेक करने की कोशिश करो, डायमेंशनली क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है डायमेंशनली, डायमेंशनली मैं बोल रहा हूँ, आ रहा है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, हां सर, और एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर डायमेंशनली क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, होता ही नहीं होता, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर क्या होता है, डायमेंशनली क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होता है ना, हां सर होता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ आपने एलिमेंटल वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई किया है तो क्या आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है, एनर्जी, हां सर, तो किसी ना किसी तरह से वो आपसे एनर्जी का ही कैलकुलेशन करवा रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट the energy associated with them. अभी किस तरह का energy find कर रहे हैं उसको निकालने के लिए अब आपको exact you know pattern पे लेके चलते हैं. अगर आपको याद हो तो energy density का जब expression हम लिखते थे du by dv, तो इसको लिखते थे हम half epsilon naught into e square होता था. ये e जो होता था net field होता था ना? हाँ sir. होता था. तो इसको अगर लिखोगे आप तो इसको ऐसे लिख सकते हो, this is half of epsilon naught into e vector dot e vector. कैसे लिख सकते हैं इसको? Yes sir. Can we write that? E vector dot E vector क्यों लिखा? क्योंकि dot product के form में चाहिए हमें, इसलिए मैंने उस तरह से लिख लिया है. अब E vector dot E vector को अगर लिख रहे हो तो basically आपको दो field है यहाँ पे, एक है E1 और E2. तो here अगर मैं E1 E vector को लिखूं तो क्या ये vector sum of E1 plus E2 होगा? होगा नहीं होगा? E is the net field, और net field क्या होगा? Vector sum of E1 and E2 ही तो होगा. Shell का जो भी field है और solid sphere का जो भी field है उनका vector sum कर दो आपको मिल जाएगा. तो E1 dot E2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो E मतलब यहाँ पे E डॉट E करोगे तो E डॉट E जो हम कर रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ E1 डॉट E2. ये आपको समझ आई है? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर. अब देखो, अब इसके एक्सप्रेशन को वहां यूज करो. सो देयरफॉर DU बाय DV कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E1 का स्क्वायर plus half epsilon naught into E2 ka square and plus half into 2 times of epsilon naught into E1 dot E2. Dekho to ye aa rahi hai kya? Ye 2 cancel out ho gaye. To agar mujhe ab agar total energy chahiye to integration of du likhenge, and integration du likha matlab integration of half epsilon naught into E1 ka square into dv plus half, sorry, plus integration of half epsilon naught into E2 ka square into dv and plus integration of epsilon naught into E1 dot E2 and into dv. Dekho ye aa rahi hai? Aa rahi hai? हाँ सर. अब खुद ही सोच के बताओ, ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग? सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल है या नहीं है? ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर. E1 स्क्वायर किसका फील्ड है? किसका फील्ड है? शेल का. E1 फील्ड किसका है? शेल का है ना. तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर करके आपने dv से मल्टीप्लाई किया एंड देन इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो आपको क्या मिलेगा? कि आपको सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल मिला या नहीं मिला? मिला सर. दिस इज सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल. शेल को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, मतलब शेल को चार्ज करने के लिए, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? K into, इसका चार्ज कितना था? Q1
तो क्या लिखेंगे, क्यू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर, आर कितना था, रेडियस आर वन था, याद है आपको, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर होता है सेल्फ एनर्जी शेल का। हाँ सर, वही ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, है ना, राइट। हाँ सर, तो ये वाली पार्ट हो गई हमारे पास सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है याद है आपको, 3/5 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर, याद है, 3/5 लिख लिया, ठीक है सर। तो बचा क्या, बचा क्या जो हमें चाहिए, नहीं तो अब वो कैसे निकालोगे, आप सोचो लॉजिकली सोचो, इसका एनर्जी बेसिकली सिस्टम का क्या है, देखो एक है आपने शेल को चार्ज किया उसके लिए आपको वर्क करना पड़ा, फिर आपने इंडिपेंडेंटली स्फीयर को चार्ज किया उसको वर्क करना पड़ा, अब शेल के फील्ड में स्फीयर को लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा सर। और ये वर्क बेसिकली क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी है ना, है ना। हाँ सर, और म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकालते हैं, k q1 q2 / r करके निकालते हैं, तो बस वही कर लेंगे, तो k * q1 * q2 / r हो जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन, जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, दिस इज म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी, म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी, एंड देयरफॉर इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू वन क्यू टू एंड डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, हां सर, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसे ही एनालिटिकली ही करना था और बाकी तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है सभी को। हां सर, चलो अभी इसको करते हैं। उसने कह रखा है कि बलून इज इन्फ्लेटेड टू इंक्रीज द रेडियस टू 2r, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, Neglect the elastic forces of balloon. Balloon का elastic forces को आपको ignore करके चलना है। तो देखो, जब आप इसको increase करोगे size में supposedly हमने मान लेते हैं कि हमने इसको increase कर दिया, तो मान लेते हैं कि इसका final size जो है हमने ये कर दिया है, ये 2R पे increase कर दिया, ठीक है। अब ये सोचो, जब ये finally यहाँ पे आ चुका है, इसको गंदा नहीं करते नहीं तो आपको question का diagram फिर confuse करेगा। सिचुएशन ये था आपके पास, एंड हमें यहां तक जाना था, सेंटर पे क्या रखा हुआ था, क्यू नॉट, ये वाली है नहीं, ये हमने स्ट्रेच कर दिया इसको, बलून इन्फ्लेट हो गया, तो ये रेडियस आर था पहले एंड अब टू आर हो चुका है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही है, चार्ज कितना है, क्यू है, वो तो चेंज नहीं करेगा, तो ये आपका क्यू रहेगा। ठीक है, अब अगर देखोगे तो आपको वर्क किसके लिए करना पड़ेगा, देखो एक है दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी चेंज करना पड़ेगा ना, राइट। इसमें एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखना सीखो तो अपने आप ही आपको चेंज भी लिखना सीख जाओगे। जैसे ये सिस्टम जो आपको गिवन सिस्टम है, उसका एनर्जी में क्या एनर्जी है, पॉइंट चार्ज अगर अकेला होता तो क्या उसका कोई एनर्जी होता, मतलब पॉइंट चार्ज अकेले का, उसके लिए तो कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट सोच के देखो कि अगर एक शेल को चार्ज करते हो तो उसके लिए तो आपको वर्क करना पड़ेगा, शेल को चार्ज करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वो किसके लिए वर्क करना पड़ेगा, एक है उसका खुद की वजह से और एक पॉइंट चार्ज जो है उसकी वजह से भी तो वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी भी है जो चेंज होगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है, और एक है सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेल्फ एनर्जी में एंड प्लस म्यूचुअल में, ठीक है। और इन दोनों का ही बेसिकली जो चेंज होगा बस वही आपको फाइंड आउट करना है। सेल्फ एनर्जी आपको पता है, सेल्फ एनर्जी जो आप लिखते हो वो लिखते हो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R लिखते हो, और जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी है ये आपका के क्यू इंटू क्यू नॉट एंड डिवाइडेड बाय सेपरेशन आर लिखेंगे, ठीक है। ये आर स्मॉल आर जो इंस्टेंटेनियस रेडियस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बस अकॉर्डिंगली लिखना शुरू करते हैं। सो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू
So work done by external agent will be equal to final energy of system and minus of initial energy of system. Final energy likho pehle. Diagram dekho, uske according likho. So kya likhoge? Ek hai self energy. Self energy kitni likhenge? KQ square by 2 times of 2R plus KQ into Q naught divided by 2R. Dekho, samajh aa rahi hai aapko? Ye final energy ho gayi hai. Hai na? Haan, sir. एंड इनिशियल एनर्जी अगर निकालोगे तो इनिशियल एनर्जी अच्छा ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे इसमें फाइनल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या मैं जस्ट फाइनल एनर्जी से दोगुना कर सकता था नहीं क्योंकि जस्ट आर की जगह टू आर ही तो डालना था मतलब टू आर की जगह आर डालना था यही तो करना था आपको राइट तो ये वैल्यू क्या आएगी जस्ट नेगेटिव ऑफ इनिशियल नेगेटिव ऑफ फाइनल एनर्जी आएगी ना आएगी नेगेटिव ऑफ फाइनल एनर्जी तो नेगेटिव फाइनल एनर्जी बस यही आंसर हो जाएगा गॉट इट क्लियर है समझ आई ना सभी को हाँ सर क्या वो थक गए क्या सब थक गए सब नहीं सर आज के लिए लास्ट ही क्वेश्चन है दुखी मत हो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है मैंने जितना क्वेश्चन प्रिपेयर किया था वो सारा हो गया मेरा अच्छा अभी छूट गया है तो दो क्वेश्चन अभी भी छूट गया चलो कोई बात नहीं देखते अभी अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है द डाइपोल इज फिक्स्ड एट ओरिजिन एंड द पॉइंट चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ट्यूब एंड पॉइंट चार्ज आफ्टर द चार्ज डिफ्लेक्ट्स थ्रू एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आपको ये फाइंड करनी है रेडियस आर आपको दिया हुआ है रेडियस आर यहाँ पे लिखना भूल गया मैं रेडियस आर आपको दिया हुआ है एंड आपको एक और चीज ध्यान रखनी है इसमें ग्रेविटी को नेगलेक्ट करके चलना है नेगलेक्ट ग्रेविटी ग्रेविटी कहीं पे आप मान नहीं है पहले सोचो कि चार्ज मूव क्यों करेगा अगर आप देखोगे तो डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे पॉइंट चार्ज रखा है दिख रहा है आपको डू यू सी दैट हां सर यस सर क्योंकि डाइपोल के लिए जो फील्ड आएगी वो यहाँ पे किस तरफ आएगी इस तरफ आएगी ना अपोजिट आएगी राइट ई परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट दिखाते हैं और ये फील्ड की वजह से फोर्स इस पे किधर लगेगा इधर लगेगा ना पैरेलल अलोंग द सरफेस ऑफ द ट्यूब लगेगा हां सर है ना सो चार्ज इनटू फील्ड इसकी वजह से देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा तो थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं कहीं यहां पहुंच गया लेट्स से कि यहां पहुंच चुका है ये चार्ज अब अगर ये चार्ज यहां पहुंच चुका है तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसकी स्पीड पहले कितनी होगी पहले ये फाइंड आउट करें स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो यहां पे इसकी वेलोसिटी हम दिखा देते हैं लेट्स से इसकी वेलोसिटी यहां पे वी हो चुकी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो यहाँ पे सिर्फ डाइपोल की फोर्सेस ही वर्क कर रहे हैं और डाइपोल की वजह से हमें पता है पोटेंशियल एट अ आर्बिट्री पॉइंट कितना होता है हमें पता है ना एंगल थीटा पे अगर पोटेंशियल निकालनी है ये इधर से थीटा अगर लिया है तो इधर से कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा ना आपको याद है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एट एन आर्बिट्री एंगल थीटा डाइपोल के लिए केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता था याद है पहले वो वाला एंगल 90 डिग्री था एंड बाद में वो वाला एंगल 90 माइनस थीटा है समझ आ रही है आपको तो अभी एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनली प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल सो चार्ज है अपना माइनस क्यू एंड पोटेंशियल है केपी इनटू कॉस ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ क्यू इनटू केपी इनटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा देखो आप फॉर्मूला खाली रटोगे और ये ध्यान नहीं रखोगे कहां से थीटा लेना है सब गड़बड़ हो जाएगा ये आ गया तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको हाफ एम वी स्क्वायर इसकी वैल्यू मिल रही है के पी क्यू इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दिख रही है आपको दिख रही है हाँ सर तो यहां से बेसिकली आपको स्पीड मिल चुकी है ठीक है अब उसने बोला है नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने ट्यूब और चार्ज के बीच का तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे डायनामिक्स से आप इक्वेशन लिखो वहां पे
तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम बात करते हैं स्पीड वी है तो ऑब्वियसली इसको सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, कितने का, वी स्क्वायर बाय आर का एक्सेलरेशन चाहिए। अब वो कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स देगा। तो अब फोर्स देखो कितनी आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर डायपोल को अगर ब्रेक करता कॉम्पोनेंट्स में तो पी के कॉम्पोनेंट्स अगर ब्रेक करें तो कुछ ऐसे दिखेंगे हमें ये एंगल थीटा है, तो इधर आएगा आपका पी कॉस थीटा और इस तरफ आ रही है पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा के लिए तो एक्चुअल पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन में ही आएगा आपके लिए, दिस विल बी ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर आपका इस तरफ आएगा, दिस इज ई परपेंडिकुलर। तो फोर्स जो लगेगी एक इस तरफ लगेगी, दिस विल बी एफ, टेंजेंशियल फोर्स के लिए एफ टी लिख रहे हैं, दैट विल बी चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई परपेंडिकुलर, एंड एक सेंट्रिपिटल फोर्स आएगी एफ सी लिख लेते हैं, एंड दैट विल बी चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई पैरेलल। समझ आ रही है आपको, देखो आपको समझ आया नहीं, तो अब बस अच्छा नॉर्मल रिएक्शन भी एक दिखा दो यहाँ पे, एक नॉर्मल रिएक्शन भी हो क्योंकि वही तो निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ हमने एन भी निकाल लिया, तो बस इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ सी माइनस एन शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, लिखोगे लिखोगे ना, एफ सी माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वही लिख लेते हैं। सो देयरफॉर नाउ डायनामिक्स इक्वेशन हो जाएगा एफ सी माइनस ऑफ एन विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ सर, सर वो जो ऊपर वाला रिलेशन लिखा है आपने, हाफ एम स्क्वायर इक्वल्स टू केपी क्यू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, सर उधर मतलब आपने उसको लेफ्ट साइड में ले गया तो वो भी एक्सप्रेशन रहेगा ना, वो भी वो नहीं, ठीक है सर, ठीक है ना, वो जीरो, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सो एफ सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फील्ड का पैरेलल कॉम्पोनेंट, फील्ड का पैरेलल कॉम्पोनेंट क्या लिखेंगे आप, देखो k इंटू पी टू के पी बाय साइन थीटा बाय आर क्यूब, क्योंकि p साइन थीटा की वजह से वहां पे फील्ड निकालना है, तो इसको लिखेंगे तो 2 के पी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर क्यूब आएगा, माइनस ऑफ m विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर का वैल्यू इज 2 के पी इंटू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड इंटू 1 बाय आर। तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज अगर नोटिस करोगे, देखो ये पूरा का पूरा टर्म वैनिश कर जा रहा है, देखो दिख रहा है आपको, हाँ सर, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब कि इस ट्यूब के साथ वो कभी कांटेक्ट बनाएगा ही नहीं, मतलब जो डाइपोल है उसका फील्ड ही उसको एग्जैक्टली उतना ही स्पीड अटेन करवाएगा इस सर्कुलर पाथ में मूव करते वक्त, जितना कि उसको बेसिकली चाहिए इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, उससे ना तो ज्यादा ना तो कम, ज्यादा या कम देगा तभी तो कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा, मतलब कॉन्टैक्ट लगाएगा किसी ट्यूब के साथ, मतलब या तो इनर वॉल के साथ या तो आउटर वॉल के साथ, अगर जरूरत से ज्यादा स्पीड होगा तो आउटर वॉल के साथ टकराएगा, अगर जरूरत से कम स्पीड होगा तो इनर वॉल के साथ टकराएगा, बट ना तो ज्यादा है ना तो कम है, इसीलिए एग्जैक्टली क्या कर रहा है, उसका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बिना कॉन्टैक्ट ब्रेक किए। डिड यू अंडरस्टैंड समझ आई आपको? क्या बेटा कुछ क्या कुछ बोल रहे हैं? सर लास्ट लाइन में ये क्यू होगा ना लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्यू लिखा है, ठीक है सर, लिखा तो मैं देख लिया, उफ क्या हुआ, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। एक और चीज देखो, देखो इसमें अगर नॉर्मल रिएक्शन अगर कभी है ही नहीं, इसका मतलब अगर ये ट्यूब नहीं भी होता तो इसका पाथ क्या सर्कुलर ही रहता। तुम सोचो नॉर्मल रिएक्शन अगर ट्यूब प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो क्या ट्यूब का कोई रोल है? नहीं सर, नहीं है ना, so tube is not at all providing any मतलब anything हो भैया, मतलब ये उसको path भी नहीं दे रहा है, ये path जो circular उसको मिल रहा है ना, ये basically उसके जो जो electric field के जो दो component हैं parallel and perpendicular उनकी वजह से ही मिल रहा है, जो जो perpendicular component जो हमने दिखा रखा है जो along the circular arc आ रहा है वो basically उसका speed को बढ़ा रहा है, और जो e parallel वाला component जो radial direction में आ रहा है वो बेसिकली सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दोनों आपस में सेल्फ एडजस्ट कर रहे हैं और इसका सर्कुलर पाथ को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ट्यूब नहीं भी होता और वो पूछ लेते तुमसे कि बताओ इसका पाथ कैसा होगा, इफ यू रिलीज द चार्ज हाउ विल द पाथ बी, सो दैट पाथ विल बी सर्कुलर, ये आप डायरेक्टली बता सकते थे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, हां ठीक है, चलो अच्छा दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, इसको कर ही लेते हैं, खत्म कर लेते हैं फिर, ठीक है, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें दे रखा उन्होंने अ बुलेट ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फायर्ड टुवर्ड्स अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r
and total charge q, if it strikes the surface of the sphere with a speed u, find the minimum speed u so that it can penetrate through the sphere. Neglect all resistance forces of friction or friction acting on the bullet except electrostatic force. ठीक है, मतलब ये जाते वक्त जो मटेरियल को चीर के निकल रहा है उसमें फ्रिक्शन आएगा, वो सब नेग्लेक्ट करके चलना है. मतलब आपको सिर्फ इतना मानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो उसको ओवरकम करना है. और ये देखो डेटा उसने ऑलरेडी दे रखा है, ये सर्फेस ऑफ स्फीयर को स्ट्राइक कर रहा है विद अ स्पीड यू. मतलब ये जो स्पीड दिखा रखा है बहुत दूर में नहीं है, ये बेसिकली बहुत पास में, ऐसे सोच सकते हैं आप. तो ऐसे सोचें कि ये स्फीयर है हमारे पास और इसका सरफेस यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटर करते वक्त इसकी स्पीड हमने u दिखा रखी है. ठीक है, ये चार्ज प्लस q एंड मास m का, और ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है. तो सॉलिड स्फीयर का फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, होता है? हाँ सर. तो इस सॉलिड स्फीयर के लिए अगर फील्ड दिखाते तो कुछ ऐसा होता. तो देखो ये चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट, ये चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट कब तक मूव करना है, सेंटर तक ही ना? हाँ सर. है ही नहीं है, देखो सेंटर के अगेंस्ट ही, सेंटर तक ही उसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है. बट जैसे ही वो सेंटर को अगर क्रॉस कर जाता है तो क्या उसके बाद उसको क्या एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए बाहर निकलने के लिए? सोचो, सेंटर से जस्ट अगर क्रॉस कर गया तो क्या उसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए? वो तो फील्ड ही उसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा ना. ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस इस चार्ज को, what we are supposed to do is, बस किसी तरह से इसको चार्ज को सेंटर जस्ट क्रॉस कराने का सोचना है. मतलब अगर ये चार्ज अगर सेंटर पे पहुंच गया और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो उसके बाद जस्ट क्रॉस करने के बाद, एंड उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं कि उसके बाद फिर फील्ड उसको क्या करेगा, बाहर पुश कर देगा. समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? तो ये वाला रीजन में ही बेसिकली उसको ओवरकम करना है. ठीक है, फील्ड ऑपोजिट द मोशन इन दिस पार्ट, फील्ड ऑपोजिट टू एंटर इन दिस रीजन. इस हाफ में तो आपका फील्ड ऑलरेडी उसको पुश करके बाहर निकाल देगा, इस हाफ में, इस पूरे रीजन में फील्ड विल push the charge out of sphere. ठीक है, तो बस अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, तो क्या लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर पे याद है 3/2 टाइम्स ऑफ सर्फेस का वैल्यू होता है, याद है आपको? याद है? 3/2 of KQQ by R कर लेंगे, that's it. So यहाँ से आपको ये 1 minus half आ जाएगा, and आपको U पूछा था, तो U की value मिल जाएगी आपको. So U becomes root under of KQQ divided by M times of R आ जाएगा. ये final answer हो गई. Got it? Clear है? Yes, sir. चलो ये last question है, इसी को complete करके अपना class खत्म करते हैं. यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डिस्क है और इसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में हमने रखा हुआ है, और उन्होंने ये पूछा है कि प्योर रोलिंग के लिए इस डिस्क पे कितनी फ्रिक्शन लगनी चाहिए, ये बताओ यहाँ पे कितनी आएगी. अगर आप देखोगे तो इस डिस्क का जो कॉर्नर्स है, मतलब जो दो क्वाड्रेंट है राधा, उन दो क्वाड्रेंट पे देखो उन्होंने चार्जेस दे रखे हैं, दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? हाँ सर. क्या ये डाइपोल बन रहा है? क्या ये डाइपोल बन रही है? बन रही नहीं डाइपोल? नहीं बन रही डाइपोल? हाँ, बन रही है. आपको याद है सेंटर ऑफ चार्ज वाली कंसेप्ट, जो इफेक्टिव सेंटर ऑफ चार्ज का लॉजिक से हम लोग निकालते थे? हाँ. आपको याद है ये डिस्क के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए जब निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास कितने दूर पे आती है? 4r/3π होती है, याद है? हाँ, सेमी सर्कुलर के लिए याद है. हाँ, तो ये डिस्टेंस जो है ये आपका 4r/3π होना चाहिए. ये सेंटर ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ चार्ज है, ये माइनस क्यू आप सोच सकते हैं. एंड वैसे ही आप इधर से पॉजिटिव चार्ज के लिए भी सेंटर ऑफ चार्ज आप दिखाएंगे तो वही 4r/3q का ही है, एंड ये तो 45 डिग्री वाली लाइन है, तो दोनों तरफ से आपकी सेम एंगल ही आएगी.
ये रिजल्ट्स अगर आपको याद नहीं है सेंटर ऑफ मास के तो फिर आपको ये सब चीजें करने में बहुत मुश्किल आएगी, बट रिजल्ट अगर याद है तो जल्दी से होगा। सो ये डिस्टेंस भी आपकी 4r/3π है, तो इस पे चार्ज फोर्स लगाएगी, सो चार्ज इनटू फील्ड फोर्स लगेगी इस पे, चार्ज इनटू फील्ड फोर्स लगेगी इस पे। तो देखोगे तो डाइपोल मोमेंट पी क्रॉस ई करके भी आप टॉर्क लगा सकते हैं, या फिर दोनों फोर्सेस जो कपल क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से भी लगा सकते हैं। तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस का, लाइन ऑफ एक्शन उन दोनों की, वो सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस पे, देखो तो ट्वाइस ऑफ 4r/3π पे, दिख रही है आपको? दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। तो इसकी वजह से देखो एक टॉर्क तो एग्जर्ट हो ही रही है, तो टॉर्क की वजह से नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे mg देखो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन की तरफ होगा कैसे डिसाइड करेंगे? टॉर्क तो आपको दिख ही रहा है ना, टॉर्क किस तरफ आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है। हाँ सर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो पक्का है, इसका क्या होगा? क्लॉकवाइज ही आएगा। हाँ सर। आएगा? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है तो प्योर रोलिंग के लिए लीनियर एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, नहीं है ना? हाँ। ताकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका स्लिप ना करे। तो अब देखो कि इसमें फ्रिक्शन मैंडेटरी है अभी या नहीं है, एक बार ये सोचो। अगर आप देखोगे प्लस क्यूई और माइनस क्यूई, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, mg और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल है वो भी जीरो हो गया, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एडिशनल फोर्स आपके पास बचा? बचा क्या? नहीं बचा। तो फिर इसका मतलब है फ्रिक्शन ही तो इसको एक्सेलरेट करा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास को कौन एक्सेलरेट करा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना ये प्योर रोलिंग कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर आपसे पूछते हैं तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने क्या किया? राइट की तरफ बता दिया। समझ आ रही है? सो फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बिना सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकता था, इसीलिए हमने राइट की तरफ दिखाया है। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको पता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ICR लिखो एंड उसको आई अल्फा से इक्वेट कर दो, तो आपको अल्फा मिल जाएगा एक लाइन में। सो देयरफॉर अब वही लिख रहे हैं, सो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ICR विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ICR इनटू अल्फा लिख दिया। टॉर्क कितनी है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच वाज QE मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच वाज 8r/3π एंड दिस बिकम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ICR व्हिच इज 3/2 mr² एंड इनटू अल्फा। तो यहां से देखोगे ये r और ये r कैंसिल आउट हो रही है, तो यहां से आपको अल्फा r की वैल्यू मिल रही है, ये आ रही है 2 8 16 चार्ज इनटू फील्ड डिवाइडेड बाय 9 πm, ये आ रही है अल्फा r की वैल्यू, और यही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हो गई है। सो देयरफॉर f net इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड देयरफॉर f net कौन है? फ्रिक्शन ही तो है, तो इसका मतलब m इनटू a लिख लेंगे, m इनटू a मतलब mm कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 16 QE डिवाइडेड बाय 9 π, ये फाइनल आंसर हो गया। Got it? Yes, sir. Yes. ठीक है।